िस गोलियों के रूप में क्वेश्चन लेकर आए हैं गोली की तरह चलेगा भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा आदि इसी पर होने वाली है ये क्लास चलो हो जाओ तैयार एकदम हो जाओ तैयार चलो भाई शानदार धमाकेदार तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलो भाई बताओ फटाफट बताओ फटाफट देखो भारत की अगर सबसे गहरी नदी घाटी की बात करें दोस्तों भारत की सबसे गहरी नदी घाटी की बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा नदी की घाटी है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है और आप सभी जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो क्या कहलाती है गंगा कहलाती है और भागीरथी और अलकनंदा नदी कहां पर मिलती 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 है देव में मिलती है कहां मिलती है देव में मिलती है दूसरा है दोस्तों में में दूसरा भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है कैलाश मंदिर एलोरा है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और जानते रहिएगा कि जो कैलाश मंदिर एलोरा में है इसको किसने बनवाया था राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था और किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था तो राष्ट्र कूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था दोस्तों किसने बनवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था शानदार तरीके से सुनते रहेगा भारत का जो सबसे बड़ा किला है वो कौन सा है लाल किला है जिसको किसने बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था किसने शाहजहां ने बनवाया था भारत का सबसे बड़ा जो आवास है ये राष्ट्रपति भवन है जिसकी डिजाइन किसने तैयार की थी एडविन एडमिन ने तैयार की थी दोस्तों ये वही एडविन लुटियंस है जिसने नई दिल्ली की डिजाइन बनाई थी गेटे गे, आ, इंडिया गेट की भी डिजाइन इसी ने बनाई थी रायसीना हिल्स को काट कर बनाया गया था राष्ट्रपति भवन आगे देखिए भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप की बात करें सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर अगर आप ध्यान देंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही सबसे छोटा नदी द्वीप भी है और सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है सबसे छोटा नदी द्वीप भी है और सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है दोनों याद रखिएगा पेपर में छपने वाला है हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा दुनिया का द्वीप समूह पूछा जाए तो इंडोनेशिया है प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो कौन सा है न्यू गिनी द्वीप होगा है ना न्यू गिन सॉरी बोर्नियो होगा और अगर है ना एशिया महाद्वीप का पूछा जाए तब भी बोर्नियो होगा और अगर आप देखेंगे हिंद महासागर में तो क्या आ जाएगा मेडागास्कर हो जाएगा दोस्तों आगे देखिएगा अरे भाई देखिए भारत की बात करें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मध्य अंडमान है किसके आधार पर बात हो रही है एरिया की बात हो रही है अगर हम एरिया के आधार पर देखें तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मध्य अंडमान है लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे दोस्तों अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा साल सेठ द्वीप हो जाएगा दोस्तों और साल सेठ द्वीप वही है जिस पर कौन सा शहर बसा है अरे अपना मुंबई बसा है दोस्तों कौन बसा है मुंबई बसा है अगला क्वेश्चन देखिएगा ना भाई अगला क्वेश्चन है ऊंची मूर्ति भारत की सबसे ऊंची मूर्ति ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भी सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो की सरदार वल्लभ भाई पटेल की है किसकी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है एक मीटर ऊंची है है ना कहां पर भाई गुजरात में कहां पर गुजरात में और याद करिए स्टैच्यू ऑफ पीस कहां है राजस्थान स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है अमेरिका अगला क्वेश्चन बस सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है सोनपुर बिहार सोनपुर बिहार सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है स्वर्ण मंदिर अमृतसर स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी सूफी संत मिया मीर ने रखी थी इसका निर्माण किसने कराया था गुरु अर्जुन देव ने कराया था किसने कराया था गुरु अर्जुन देव ने कराया था और इसको सोने का किसने बनवाया था तो आपके प्रसिद्ध प्रसिद्ध सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था सबसे बड़ा गिरजाघर भारत में कौन सा है मतलब सबसे बड़ा जो चर्च है सेंट कैथेड्रल चर्च है दोस्तों गोवा में सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है रामेश्वर मंदिर कॉरिडोर तमिलनाडु में दोस्तों सबसे बड़ी मस्जिद भारत में कौन सी है जामा मस्जिद दिल्ली में है और याद रहे कि जामा मस्जिद को किसने बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों किसने शाहजहां ने सबसे बड़ा गुम्बज कौन सा है गोल गुम्बज है जो कि किसका है जो कि यूसुफ आदिल, आदिल शाह का मकबरा है किसका भैया यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है इसको भी याद रखिएगा कर्नाटक में पड़ेगा कहाँ पड़ेगा कर्नाटक में पड़ेगा सबसे ऊंची मीनार की अगर हम बात करें सबसे ऊंची अगर हम मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार है दोस्तों कुतुब मीनार कहां पर नई दिल्ली में इसका इसका निर्माण किसने शुरू कराया था दोस्तों ऐबक ने शुरू कराया था और इसका निर्माण किसने पूरा कराया था इल्तु तमीश ने इसका निर्माण पूरा कराया था याद रखिएगा बहुत शानदार क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अगला है बड़ा लीवरपूल सबसे बड़ा लीवरपूल कौन सा है हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल और याद रहे सबसे बड़ा जो आर्च ब्रिज है कौन सा है सबसे बड़ा सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया गया है चिनाब नदी पर जो कि कहां पर है जम्मू कश्मीर में दोस्तों और देखिए ऊंचा दरवाजा सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा में फतेहपुर सिकरी में किसने बनवाया था याद करिए अकबर ने बनवाया था कब बनवाया था दोस्तों पंद्रह में बनवाया था किस उपलक्ष में अरे भाई किस लिए बनवाया था याद करिए गुजरात विजय के उपलक्ष में बनवाया था दोस्तों एकदम सही बात एकदम सही बात सबसे लंबी नहर भाई देखो अगर हम भारत की सबसे भारत की बात हो रही है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर में पानी कहां कहां से आता है तो सतलज नदी से पानी आता है और कौन सी नदी से पानी आता है व्यास नदी से आता है सिंचाई के उद्देश्य से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नहर भी यही है जी हाँ सिंचाई के उद्देश्य से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नहर भी यही है सिंचाई के उद्देश्य से जी हाँ दोस्तों वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है जी हाँ आगे देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है कुंची जल प्रपात है दोस्तों जो कि कर्नाटक में स्थित है कहां पर है कर्नाटक में है आगे बढ़ते हैं वैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है सबसे ऊंचा वो कौन सा है एंजिल जल प्रपात है कैरोनी नदी पर वेनेजुएला में दोस्तों आगे देखिए सबसे बड़ा सैनिक सम्मान भारत में कौन सा होता है परमवीर चक्र अरे भाई सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र ही तो है हालांकि अगर शांति काल में सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार की बात करेंगे तो अशोक चक्र होगा और देखिए सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है भारत रत्न दूसरे नंबर पर कौन है पद्म विभूषण तीसरे पर पद्म भूषण चौथे पर श्री जी हाँ सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है दूसरे नंबर पर कौन सा है चेन्नई बंदरगाह तीसरे नंबर पर कौन सा है विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा है दोस्तों जी और पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है चेन्नई है दोस्तों सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है चेन्नई बंदरगाह है दोस्तों चलिए एकदम रटते रहिए रटते रहिए एकदम खोपड़ियन छेद कर देना है एकदम पेपर की खोपड़ियन छेद करना है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है जिसकी लंबाई कितनी है लगभग 1336 मीटर दोस्तों 1336 मीटर सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक का जो है ये सबसे लंबा रेल मार्ग है दोस्तों कितना है भैया बयालीसौ किलोमीटर कितना है बयालीस किलोमीटर सबसे लंबा बयालीस किलोमीटर याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस भैया विवेक एक्सप्रेस इसी सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है ना डिब्रूगढ़ कहां पर पड़ेगा आसम में पड़ेगा दोस्तों आसम में और यहां से शुरू करके कहां तक जाता है मामला कन्याकुमारी तक जाता है भाई चलिए हाँ बिल्कुल 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 अगला क्वेश्चन देखिए भाई सबसे लंबी देखो भाई लंबी रेल सुरंग की बात करें सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है पीर पंजाल सुरंग है और पीर पंजाल सुरंग जिसको आप जो है देखेंगे जम्मू कश्मीर में मिलेगा 11.2 किलोमीटर कितना भैया 11.2 किलोमीटर है दोस्तों कितनी है 11.2 सबसे लंबी रेल सुरंग अब जरा ध्यान दीजिएगा सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसको और क्या कहते हैं मित्रों इसको कहते हैं चेनानी नासरी क्या कहते हैं मित्रों इसको चेनानी नासरी सुरंग भी कहते हैं यहां से होकर गया गुजरता है एनएच फोर्टी फोर गुजरता है क्या गुजरता है एन एच फोर्टी फोर नेशनल हाईवे यही से गुजरता है है ना सबसे लंबा नदी पुल की बात करें भाई भूपेन हजारिका पुल याद करिए इसको और क्या कहते हैं इसको ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है क्या कहा जाता है ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है दोस्तों ढोला कहां पर है अरुणाचल प्रदेश सादिया कहां पर है आसम में इन्हीं दोनों को आपस में ये क्या करता है जोड़ता है दोस्तों क्या करता है आपस में जोड़ता है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अक्सर यहां से पेपर में क्वेश्चन आते ही रहते हैं भाई अक्सर आते रहते हैं एकदम नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है चलिए आगे देखा जाए और क्या क्वेश्चन है भाई अगला क्वेश्चन है बड़ा डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है सुंदरवन डेल्टा कहां पर है पश्चिम बंगाल गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र भाई अगला क्वेश्चन हाँ भाई बिल्कुल होगा रोहित जी सबसे बड़ा रेगिस्तान भैया देखो ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार तो है ही है अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान कौन सा है तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर है सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर है सबसे लंबी सड़क की बात करें तो जीटी रोड है कौन सा दोस्तों जीटी रोड भारत की सबसे लंबी सड़क है सबसे लंबी सड़क कौन सी है जीटी रोड है दोस्तों और आपको बता दे कितने किलोमीटर है पच्चीस किलोमीटर कितनी भाई पच्चीस किलोमीटर एकदम छापते रहो रिविजन करते रहो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भैया एन एच फोर्टी सेवन ए कितना है मात्र 6 किलोमीटर अरे 6 किलोमीटर एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो फाइव पॉइंट नाइन किलोमीटर है दोस्तों और एक बात बता दें सबसे लंबा जो है नेशनल हाईवे वो आप जानते ही हैं है हा ना हाँ सबसे लंबी सुरंग ही चेंज हो गई गलती मत करिए हाँ अरे भैया कुलदीप कुलदीप भैया ऐसा है सबसे लंबी सुरंग उरंग जो है ठीक है अभी जो आपका चल रहा है उसी को मानो ठीक है अभी जो चल रहा है उसी को मानो ठीक है आ, और जो नई चीजें आप बता रहे हो ना जो आप बता रहे हो टी फोर्टी नाइन जो आप बता रहे हो वो अभी प्रपोज है अभी बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है अभी ओपन नहीं की गई है रेगुलर अभी ओपन नहीं है फॉर पीपल्स ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं सबसे लंबा बांध की बात करें तो कौन सा है हीरा कुंड बांध है आप जानते हैं अगर सबसे लंबा बांध की बात करते हैं तो हीराकुंड बांध है महानदी पर है दोस्तों और सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध की बात करें तो भाखड़ा नागल डैम है और अगर सबसे ऊंचा बांध की बात करें ओवरऑल तो टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है ठीक है भैया हाँ भाई राकेश एकदम सही कहा अगला क्वेश्चन देखिए लंबा बांध सबसे लंबा बता ही दिया है ना अच्छा लंबा नहीं ये थोड़ा गलत लिखा है ये सबसे ऊंचा है ये हाईएस्ट है सबसे ऊंचा बांध की अगर हम बात करें तो टिहरी बांध है और सबसे लंबा की बात करें तो हीराकुंड है महानदी पर ठीक है सबसे लंबी तटरेखा भारत में कौन सा है अगर हम प्रायद्वीपीय राज्यों की बात करें देखिएगा दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा अगर आपसे कहा जाए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात है लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय राज्यों की बात करें भाई गुजरात प्रायद्वीपीय राज्य तो है नहीं प्रायदीपी राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य है ओवरऑल बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर होगा अब जरा ध्यान दीजिएगा सबसे छोटी तटरेखा किसकी है राज्यों में गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है भाई चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला है सबसे लंबा समुद्र तट भैया एकदम तट की बात करें तो चेन्नई का जो मरीना बीच है ये सबसे छोटा है दोस्तों सबसे छोटा है सबसे बड़ी कृत्रिम झील थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लिखा है ये जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील लिखा है गोविंद वल्लभ पंत सागर इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है उसका नाम है गोविंद सागर क्या नाम है दोस्तों गोविंद सागर झील इसका नाम है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर भाखड़ा नागल डैम से बनी है ठीक है दोनों में अंतर है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी गोविंद सागर भाई एकदम भाई संजीत एकदम शानदार ठीक है भैया हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन आपका है भाई सबसे ऊंची झील चोलामू है ना सिक्किम में सबसे ऊंची झील मिलेगी चोलामू खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील भाई खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी हो जाएगी चिल्का हो जाएगी दोस्तों कौन सी हो जाएगी चिल्का हो जाएगी अब जरा ध्यान दीजिएगा कह रहा है ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है वुलर झील है सबसे बड़ी झील देखो वुलर झील बताया ये गलत लिखा है अगर देखिएगा तो ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील है लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाएगा तो क्या बताना है दोस्तों चिल्का बताना है क्या बताना है चिल्का ओवरऑल जी हाँ भारत की सबसे बड़ी झील अब जरा ध्यान से सुनना अगर कहता है भारत की सबसे बड़ी झील क्या पूछा जाए याद रखिए अगर आपसे कहा जाए भारत की सबसे बड़ी झील तो चिल्का बताइएगा सबसे बड़ी तटीय झील पूछे या लैगून झील पूछे तो भी चिल्का बताइएगा सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील पूछे तो वुलर बताइएगा सबसे बड़ी अंतरदेशीय झील पूछे तब क्या बताइएगा अंतरदेशी या अंतर स्थलीय झील तो क्या बताइएगा सांभर झील बताइएगा और अगर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछे तो लोकटक बताइएगा जो कि कहां पर है मणिपुर में है ठीक है भैया हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं है ना देखे भाई अगला देखते हैं ऊंचा झरना दोस्तों हाँ बिल्कुल भाई देखो है ना हाँ ये हुबली वाला जो मसला बता रहे हैं इसको हम चेक कर लेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो अपडेट कर देंगे चलिए भाई हाँ बिल्कुल फर्स्ट रामसर सर साइड चिल्का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है चौड़ाई में जो गया घर सोपा, जिसे गांधी सागर भी है ना गांधी भी कहते हैं भाई सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है यमुना दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर हम सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है और पूरे दुनिया में सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है ठीक है भैया दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है ठीक है भैया और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है हालांकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है अमेजन है ठीक है भैया एकदम भैराक है शानदार ठीक है रोहित जी कह रहे हैं इतना एनर्जी आप, अरे भाई रोहित सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भारत में ब्रह्मपुत्र दोस्तों और सबसे लंबी नदी ओवरऑल गंगा है िस गोलियों के रूप में क्वेश्चन लेकर आए हैं गोली की तरह चलेगा गवर्नर जनरल एवं वायसराय जी गवर्नर जनरल एवं वायसराय वायसराय अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन से या गवर्नर जनरल के समय में कौन सा काम हुआ है तो आइए तोड़ा जाए दौड़ा दौड़ा के जरा तो चलिए ये रहा पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था वारन हेस्टिंग था कौन था दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था वॉरन हेस्टिंग था भैया अब एक बात का ध्यान रखिएगा अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो याद करिएगा देखो भैया क्या पूछा जाता है डायग्राम बनाकर बता देता हूं कि अगर बंगाल के बारे में पूछता है क्या पूछे बंगाल में पहले गवर्नर का पद हुआ करता था बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो आपको रॉबर्ट क्लाइव बताना पड़ेगा क्या बताना पड़ेगा रॉबर्ट क्लाइव बताना पड़ेगा बंगाल का अगर अंतिम गवर्नर पूछेगा तब आपको क्या बताना होगा वॉरन हेस्टिंग बताना होगा दोस्तों क्या बताना होगा वॉरन हेस्टिंग्स बताना होगा अगर बंगाल की बात करें दोस्तों तो शुरू में जो बंगाल में गवर्नर होता था आगे चलकर उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ दोस्तों विलियम बैंटिक हुआ कौन हुआ विलियम बेंटिक हुआ समझ पा रहे हैं अच्छा बंगाल के बाद अब अंग्रेजों का साम्राज्य पूरे देश में फैल गया तो इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहना शुरू किया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला कौन हुआ विलियम बेंटिक हुआ अंतिम कौन हुआ लॉर्ड कैनिंग हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई तो लॉर्ड कैनिंग का जो गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल को क्या कहने लगे हुआ लेकिन अंतिम कौन हुआ? माउंट बेटन हुआ जो कि आजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना और स्वतंत्र भारत के पहले एवं एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए सी राजगोपालाचारी एकदम भैया राजेश अर्पित शानदार तो दोस्तों इसको याद रखेंगे तो वीके का जी के अंदाज में आपके क्वेश्चन होते रहेंगे पिंडारियों का दमन किसने किया लॉर्ड हेस्टिंग अच्छा एक बात बताए आपको लॉर्ड हेस्टिंग और वॉरन हेस्टिंग में अंतर याद रखना पड़ेगा नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे वॉरन हेस्टिंग अलग है लॉर्ड हेस्टिंग अलग है ठीक है जैसे जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था तब गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग था अब जब तीसरा वाला हुआ था तब लॉर्ड हेस्टिंग था ये दोनों में डिफरेंस याद रखना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला और जरा ध्यान दो भैया खेमचंद ठीक है भैया हाँ बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में, में द्वैध शासन किसने लागू किया है रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था कब लागू किया था तो यह लागू किया था सत्रह सड़सठ में ठीक है भाई खत्म किसने किया था बंगाल का द्वैत शासन तो बंगाल का द्वैध शासन खत्म किया था वॉरन हेस्टिंग ने याद रखिएगा कब खत्म किया था सत्रह में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने लागू किया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सत्रह में लागू किया था भाई ठीक है और आगे देखिए भाई इसके बाद अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है लॉर्ड कार्नवालिस यह सिविल सेवा के अलावा पुलिस सेवा का भी जनक है किसका जनक है पुलिस सेवा का भी एक बात बताएं भैया पुलिस सेवा का जनक कहे सिविल सेवा का जनक कहे तो कार्नवालिस बताइए लेकिन अगर कभी पूछ ले कि भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक तब याद रखना अगर कभी प्रशासनिक सेवा का जनक पूछता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ जो कि भारत का पहला वायसराय भी हुआ है लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन है ना भैया और ये भारत का अंतिम वायसराय भी हुआ था लॉर्ड माउंट बेटन भारत का अंतिम वायसराय भी हुआ था बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 में लेकिन बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में

भाई डाक की स्थापना लॉ डलौजी के समय में हुई थी अठारह की बात है जिस वर्ष इसने क्या किया था वो डिस्पैच इसी के समय में भी आया था भैया एकदम भाई सत्यन जी थैंक यू दोस्त पहली बार पाकिस्तान की मांग कब हुई थी तो भैया जिस समय पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई थी दोस्तों उस समय लिन क्या था भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय था अब जरा ध्यान दीजिएगा पाकिस्तान की मांग के मामले में आप एक बात याद रखिएगा कि पहली बार दुई राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया दुई राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया किसने कहा कि भारत में दो देश होने चाहिए एक एक, एक मुसलमानों के लिए और एक जो है हिंदू एक तरह से हिंदुओं के लिए तो मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान शब्द किसने दिया तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था किसने दिया था चौधरी रहमत अली ने दिया था दोस्तों पहली बार पाकिस्तान की मांग पाकिस्तान की मांग पहली बार किसने की थी तो भैया पाकिस्तान की मांग की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कब की गई थी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मांग की थी दोस्तों 1940 में की थी है ना और मुस्लिम लीग ने अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना ने है ना बांटो और छोड़ो का नारा देकर ये कब तय कर दिया कि अब इन्हें पाकिस्तान चाहिए हर हाल में चाहिए बांटो और छोड़ो कब कहा 1943 में कहा कहां पर कहा था कराची में कहा था पाकिस्तान की इन्होंने कहां पर की थी लाहौर में की थी जी हाँ और मुस्लिम लीग ने पूरे देश में दंगे कब करवाए जब इन्होंने सीधी कार्यवाही सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जिससे ये क्लियर हो गया कि इनको हल हाल में पाकिस्तान चाहिए नहीं तो ये मार काट पर उतारू हो जाएंगे है ना एकदम खून की नदियां बहा देंगे भाई ठीक है 16 अगस्त 1946 की बात है दोस्तों 16 अगस्त 1946 की बात है ठीक है जलियावाला बाग हत्याकांड के समय कौन था भैया लॉर्ड चेम्सोर्ड जलियावाला बाग हत्याकांड सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ठीक है भैया है ना जनरल डायर याद करिए अरे भाई चेम्सफोर्ड सुधार भी तो आया था 1919 में ठीक है और जरा ध्यान दीजिए सती प्र्था, सती सती प्रथा 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 का 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 अंत तो का अंत भाई सती का अंत तथा ठगी ठगी भाई और समाप्ति कब हुई थी विलियम बैंटी के समय में हुई थी जिसमें से सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था और ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमन के प्रयासों से हुआ था कर्नल स्लीमन के प्रयासों से चलिए अगला क्या है भाई अगला है आपका फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में आया था लॉर्ड रिपन के समय में आया था अठारह में आया था दोस्तों कब आया था 1881 में आया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हालांकि अगर हम इसकी न्यू देखें तो इसकी न्यू कब पड़ चुकी थी इसकी न्यू जो है अठारह में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरियंटल कॉलेज के रूप में पड़ चुकी थी ठीक है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी लॉर्ड वेवेल के समय में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक लॉर्ड वेवेल के समय में हुई थी कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी चाहे आपसे कहे संविधान सभा की पहली बैठक चाहे आपसे कहे संविधान सभा का गठन यही डेट होगी बंबई मद्रास और कलकत्ता में एक-एक हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी जिसके लिए एक कानून लाया गया था जिसका नाम था भारत परिषद अधिनियम और यह अधिनियम कब लाया गया था 1861 में और इसी के आधार पर बासठ में इसका गठन हुआ ठीक है भैया आगे देखिएगा लाइक ठोकते रहना होम रूल लीग की स्थापना और चंपारण सत्याग्रह है ना कि दोनों के दौरान भाई होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी 1916 में एनी में ने चलाया और बाल गंगाधर तिलक ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन है इसी से भारत में राजनीतिक करियर इनका शुरू हुआ सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी है ना और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भाई सहायक संधि की शुरुआत वेलेजली ने की थी और इसी के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज अठारह ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुआ था ठीक है भैया भारत में सहायक का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भैया पहला प्रयोग सहायक संधि का पहला प्रयोग कभी पूछ ले तो याद रखिएगा ने सबसे पहले सहायक ठीक है भैया एकदम बिल्कुल बिल्कुल चलिए और देखते हैं दोस्तों और क्या है महारानी विक्टोरिया को कैसे हिंदी की उपाधि जिस समय दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था लॉर्ड लिटन था ठीक है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया 1835 में बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अच्छा एक बात याद रखिएगा अगर अंग्रेजी शिक्षा का जनक पूछा जाए तो क्या बताते हैं अंग्रेजी शिक्षा का जनक पूछा जाए दोस्तों तो लॉर्ड मैकाले को बताते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक पूछा जाए भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक पूछा जाए तब आपका जवाब क्या हो जाएगा तब आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स ग्रांट क्या हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट हो जाएगा बात समझ पा रहे हैं कुछ? Grant, अरे भाई। लेकिन, का जनक पूछे, तो बंगाल का लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है ठीक है साइमन कमीशन भारत किसके समय में आया था लॉर्ड इरविन के समय में आया था, था. है ना कब आया था भारत तीन फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था कहा पहुंचा था ये

को पोस्ट डेटेड चेक इसको किसने कहा तो महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी यह भी कई बार पेपर में आता है ठीक है भाई कैबिनेट मिशन प्लान कब लाया गया था लॉर्ड वेवेल के समय में लाया गया था 1946 में लाया गया था और इसी के आधार पर इसी आधार पर क्या हुआ था इसी आधार पर है ना संविधान सभा का भारत में क्या हुआ गठन हुआ था संविधान सभा का क्या हुआ था दोस्तों गठन हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो के समय में हुई थी कौन था भैया द्वितीय युद्ध आप जानते हैं कि उन्नीस में एक अगस्त को शुरू हुआ था और दो अगस्त को उन्नीस में खत्म हुआ था ठीक है भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी लिनलिथगो ही था को जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी होगा सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भी होगा है ना क्रिप्स मिशन जब आएगा तब भी होगा तो लंबे समय तक ये रहा था उन्नीस से पैंतालीस तक एकदम सही कहा भाई चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए हाँ भैया शिवम जी किसने कहा अपलोड नहीं किया अपलोड की जा चुकी है दोस्त अब ये कोई अलग बात है कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से फंस गई हो स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था लॉर्ड रिपन ने किया था है ना बिल्कुल कर देंगे जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो पढ़ा दिया है अपलोड कर देंगे अगर नहीं हुआ होगा एक बार हम चेक कर लेंगे वैसे हमने बोल दिया था टेक्निकल टीम को फटाफट अपलोड कर दो चलो भैया स्थानीय स्वशासन भैया स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं एक बात बताएं अगर स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे तो रिपन लेकिन पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाए पंचायतों का शिल्पी कहा जाए तब क्या बताते हैं पंचायतों का शिल्पी किसे कहा जाता है यह कहा जाता है किसको बलवंत राय मेहता को किसको कहते हैं बलवंत राय मेहता को कहा जाता है ठीक है सब्ञा आंदोलन किसके समय में चला था लॉर्ड इरविन के समय में चला था उन्नीस में कब शुरू हुआ था बारह मार्च को शुरू हुआ था चलो भैया आगे बढ़ते हैं असहयोग आंदोलन उन्नीस में शुरू हुआ है ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय था वायसराय एग्जैक्टली ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी उन्नीस में कब हुई थी सॉरी अठारह में ठीक है भाई अगला क्वेश्चन भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं चार्ल्स को कहते हैं क्योंकि 1935 लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस का जनक पूछेगा दोस्तों तो आपको राजा राम मोहन राय बताना है और भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोदास पाल को बताना है ठीक है भैया नरबली प्रथा का अंत किसके समय में हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ ठीक है भैया प्रथा ये नरबली प्रथा खोंड जनजाति के बीच प्रचलित थी कौन सी जनजाति के बीच खोंड जनजाति के बीच दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिन बरो के समय में हुआ था कब हुआ था 1843 में हुआ था ठीक है भैया शुरुआत वैदिक काल में ही हो गई थी भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी कब हुई थी तो भैया ये हुई थी अठारह में लेकिन जो पहली जो पहली नियमित जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी अठारह में ठीक है भैया अच्छा प्रथम गोल में सम्मेलन देखो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था 1930 में ठीक है दूसरा गोलमेज सम्मेलन है के समय में समय में हुआ और तीसरा वाला भी वेलिंगटन के समय में हुआ है ठीक है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है चीन के पास है भारत फिलहाल इस मामले में चौथे स्थान पर है लगभग साढ़े छह सौ अरब डॉलर के साथ भारत न, भारत ने वर्ष उन्नीस में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ली थी आप सभी जानते हैं कि यहां पर बात हो रही है आईएमएफ आईएमएफ की आएमेफ की स्थापना वैसे तो 1944-45 में हुई थी लेकिन भारत इसमें कब शामिल हुआ सैतालीस में शामिल हुआ 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह नया प्रतीक मिला है ये वाला प्रतीक इसकी डिजाइन किसने बनाई थी उदय कुमार ने बनाई थी जो आई मद्रास के छात्र थे तालीस गोलियों के रूप में क्वेश्चन लेकर आए हैं गोली की तरह चलेगा भारतीय शिक्षा प्रणाली संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ले भैया एकदम ताबड़तोड़ शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र तक्षशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा तक्षशिला कहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान नालंदा कहाँ पर है बिहार में मौर्य शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला और देखिए गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा नालंदा को किसने बनवाया था कुमार गुप्त प्रथम ने सर्वाधिक शिक्षित शासक शेरशाह सूरी अनपढ़ शासक किसे कहेंगे दोस्तों अकबर को कहा जाएगा मध्यकाल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जौनपुर जिसको और क्या कहा जाता है दोस्तों सिराज हिंद कहा जाता है क्या कहते हैं सिराज हिंद और याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था दोस्तों बख्तियार खिलजी ने और देखिए दारुल बका क्या था एक कॉलेज था इसको किसने बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था कहां बनवाया था दिल्ली में बनवाया था ठीक है उपनिषद का मतलब क्या होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना कितने उपनिषद है 108 उपनिषद है और याद रहे कि इसमें से बावन उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था यह किया था दारा शिको ने जी हाँ वेद शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों ज्ञान ज्ञान होता है वेद शब्द का मतलब क्या होता है ज्ञान होता है लाइक की संख्या हजार पहुंचनी चाहिए नहीं तो है ना एकदम समझ लो भैया दिल टूट है चलो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद इनका जन्म दिवस होता है ग्यारह नवंबर को और ग्यारह नवंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं और सुनो भाई भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी उन्नीस में आप सभी जानते हैं कि अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो पहली कब आई थी उन्नीस में दूसरी कब आई थी उन्नीस में और तीसरी कब आई है अभी हाल ही में 2020 में एक्जेक्टली exactly 29 जुलाई के दिन ठीक है ये तीनों याद रखिएगा

या मैकाले घोषणा पत्र जिसको गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार किया था ठीक है भैया और देखिएगा और क्या है भैया शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था अठारह में और सैंडलर आयोग का गठन किया था 1917 में और आपको बता दें जितनी चीजें मैं ए के बूस्टर में शिक्षा संबंधित बता रहा हूं एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा रट लेना एकदम ठीक है पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहां बना था इंग्लैंड में बना था भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू जो दिल्ली में है उसकी स्थापना कब हुई थी 1985 में हुई थी यूजीसी की स्थापना कब हुई थी 1956 में हुई थी और यूजीसी के गठन की सिफारिश किसने की थी राधा कृष्णन आयोग ने की थी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीआर की स्थापना कब हुई थी 1961 में हुई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था 1988 में शुरू हुआ था भारत में जो शिक्षा प्रणाली है टेन प्लस टू प्लस थ्री का सुझाव किसने दिया था कोठारी आयोग ने दिया था जो कि फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित था भैया जब पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसमें ये वाली शिक्षा नीति थी टेन प्लस टू प्लस थ्री लेकिन जो नई वाली आई है उसमें फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर को अपनाया गया है इसको भी याद रखिएगा ठीक है भैया हाँ भाई इसको डिटेल में क्या बताएं इतना कब से डिटेल डिटेल में में तो बता रहे हैं? इसको में बताने के लिए नहीं लाया गया है इस पर आधारित क्वेश्चन आगे लाएंगे तब डिटेल बताएंगे ये पूरा है ना ये बूस्टर है भैया बूस्टर है मित्र इसमें क्या डिटेल बतवा रहे हो यार लाइक ठोंको जबरदस्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उन्नीस सौ में केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पर है? हैदराबाद विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में स्थापित किया था बंगाल में है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे थोमस रैले इसके अध्यक्ष थे कर्जन के समय की बात है भाई और देखिएगा आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए पहला आयोग कौन सा गठित हुआ था राधा कृष्णन आयोग गठित हुआ था भारत में सबसे पहला जो आईआईटी बना था वो कौन सा था आईआईटी खडकपुर था जबकि पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था रुड़की था उत्तराखंड में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कब बना था 1800 ईस्वी में बना था वेलेजली ने बनवाया था जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी 1920 में हुई थी शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को लेकिन यह पास कब हुआ था तो याद रखना 2009 में पास हुआ था कब पास हुआ था 2009 में पास हुआ था ठीक है भैया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं 11 नवंबर को लेकिन शिक्षक दिवस 5 सितंबर को बाल दिवस 14 नवंबर को शौचालय दिवस 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय विश्व पुरुष दिवस वो भी 19 नवंबर को पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सलाह किसने दी थी कोठारी आयोग ने और जो तीसरी वाली है उसकी सलाह किसने दी है तीसरी वाली की सलाह दी है अभी कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो 2020 में आई है कस्तूरी रंगन समिति संबंधित है शिक्षा से इसका गठन कब किया गया था 2017 में गठन किया गया था इसका ठीक है शिक्षा को सूची में में रखा रखा गया था, कब रखा गया था था कब 1976 में इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था तो बयालीसवा संविधान संशोधन हुआ था शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए के तहत फंडामेंटल राइट है जिसको कब लाया गया छियासी संविधान संशोधन के तहत 2002 में लाया गया ठीक है? है? शिक्षा मंत्री इस समय कौन कौन धर्मेंद्र प्रधान, पहले वाले कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे और जरा ध्यान दीजिएगा शिक्षा पर खर्च का प्रावधान तो भैया शिक्षा पर कितना खर्च का प्रावधान है जितनी भारत की जीडीपी है उसका छह परसेंट अच्छा आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं चार्ल्स ग्रांट को लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं वो कहते हैं है मैकाले को दो तीन पॉइंट और बता देते हैं ये देखिए कुछ करंट अफेयर की बातें हैं पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में बन रहा है कहां पर मणिपुर के इम्फाल में बन रहा है ठीक है पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा में बन रहा है जो कि गुजरात में है ठीक है भैया सैतालीस गोलियों के रूप में क्वेश्चन लेकर आए हैं गोली की तरह चलेगा कृषि एवं पशुपालन तो शुरू किया जाए तोड़ैया शुरू की जाए तो यह आ गया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कृषि सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो कृषि है दोस्तों ये किस सूची के अंतर्गत आता है तो याद रखना राज्य सूची के अंतर्गत आता है है ना और जो कि सातवीं अनुसूची में है आप जानते हैं कि राज्य सूची में कुल विषय कितने हैं दोस्तों कुल विषय यहां पर इकसठ है याद रखना बिल्कुल सातवीं अनुसूची जो है इसमें संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय है सौ विषय है राज्य सूची में कितने विषय है दोस्तों दोस्तों इकसठ है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं बावन हैं दूसरी बात भारतीय कृषि का इतिहास जी हाँ एक किताब है दोस्तों जिसका नाम है भारतीय कृषि का इतिहास ये किताब किसने लिखी है एस रंधावा ने लिखी है फेमस बुक है हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता कौन है नॉर्मन बोरलॉग देखना जो हरित क्रांति है दोस्तों जो ग्रीन रिवोल्यूशन है ठीक है भैया हाँ भाई संजीत भैया वहां पर दयानंद सरस्वती ऑप्शन में है नहीं ध्यान दो हरित क्रांति का जनक देखो आपको बताएं जैसे हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग है वो तो ठीक है लेकिन कई सारी चीजें नहीं है देखिए क्या है हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है फिलीपींस देखिएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके भैया कौन हो जाएंगे भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे एम एस स्वामी नाथन समझ पा रहे हैं अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति का जनक पूछिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलाग भारत में पूछेगा तो क्या हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा लेकिन कौन सा देश हरित क्रांति का जनक है तो आपका फिलीपींस जवाब हो जाएगा और याद रहे फिलीपींस वही है जिसकी राजधानी मनीला है जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है यह वही फिलीपींस है जिसे भारत ने पहला ब्रह्मोस बेचने की डील की है दोस्तों जी हाँ हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था भैया ये वाकई में गॉड थे ये वाकई में थे दोस्तों और जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हरित क्रांति ना होती तो खाते पीते क्या अनाज इतना उत्पादन नहीं होता हाँ बिल्कुल बिल्कुल टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी भाई जितनी भी क्लासेस हुई है सबकी पीडीएफ गई है।, कहा है टेंशन ले रहे हो चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ भाई अगला क्वेश्चन भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई थी तो हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य पूछे हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य पूछे तो पंजाब बताना है दोस्तों और इसका सबसे ज्यादा फायदा किस फसल को मिला तो गेहूं बताना है चलिए आगे बढ़ते हैं ग्लूटीन नाम की प्रोटीन किसमें मिलती है गेहूं में देखिए भाई आसान क्या है याद करना ग से ग्लूटीन और ग से गेहूं ग से ग्लूटीन ग से गेहूं आसान है याद करना तो गेहूं ग्लूटीन ठीक है भाई देखिए गेहूं में ग्लूटीन मिलेगा दालों में प्रिलाब्यूलिन मिलेगा और अंडे में, अंडे में में क्या मिलेगा मिलेगा समझ पा रहे हैं क्या क्या बताया फिर से सुनो गेहूं में ग्लूटीन दालों में प्रिला और अंडों में ग्लोब्यूलिन क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं भैया कि इसमें कौन सी प्रोटीन मिलेगी समझ रहे हैं गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है जलोड़ और आप सभी जानते हैं कि चाहे आप कहें भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है है. तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी यही पाई जाती है उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक मिट्टी कौन सी होती है जलोड़ मिट्टी होती है गेहूं में विटामिन कौन कौन सा होता है बी वन बी टू और बी सिक्स ठीक है दोस्तों बी वन बी टू और बी सिक्स ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं चावल का वास्तविक नाम क्या है ओराइजा सटाइवा है क्या है और इजा सटाइवा दोस्तों और ये किस कुल का है ग्रामीण कुल का है गेहूं भी इसी कुल का है ठीक है चावल को पॉलिश करने पर कौन सा सबसे ज्यादा विटामिन नष्ट हो जाता है तो थाईमिन नष्ट हो जाता है कई बार पेपर में पूछा गया है तंबाकू में कौन सा विषैला तत्व होता है निकोटीन होता है और विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है इकतीस मई को मनाया जाता है दोस्तों दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है मध्य प्रदेश में होता है इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है ठीक है भैया

कन्वर्ट करता है किसमें कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है क्यों जानते हैं क्योंकि पौधे है। भाई देखो एक बात बताएं आपको हमने एक बात बताई थी कि जिस प्रकार से मानव के लिए जिस प्रकार से मनुष्य के लिए ऑक्सीजन जरूरी है उसी प्रकार से पौधों के लिए क्या जरूरी है नाइट्रोजन लेकिन दिक्कत यह है कि पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट वातावरण से नहीं ले सकते वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं नाइट्रेट के रूप में लेते हैं इसके लिए कोई ना कोई चाहिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उन्हें नाइट्रेट दे या तो फिर हमें पौधों को क्या देना पड़ेगा फर्टिलाइजर देना पड़ेगा उर्वरक देना पड़ेगा ठीक है भैया हाँ अच्छा भाई रंजन अगला देखो दलहनो का राजा किसको कहते हैं राजा कहते हैं चना को और रानी कहते हैं मटर को क्या बात है दलहनों का राजा चना और दलहनों की रानी मटर को कहते हैं चलिए और क्या है पौधे नाइट्रोजन देखो बताया ना कि नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और याद रहे कि जो जो दलहनी पौधा होता है और जो होता है है और राइजोबियम आपस में कैसा जीवन व्यतीत करते हैं सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं सहजीवन का मतलब होता है कि दलहनी पौधे से राइजोबियम क्या लेता है भोजन लेता है और बदले में राइजोबियम इसको क्या देता है नाइट्रेट देता है इसी को कहते हैं सहजीवन ठीक है दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि दलहनी पौधों की गाठों में क्या पाया जाता है कौन सा जीवाणु होता है तो भैया याद रखना राइजोबियम होता है और देखो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए क्या बोया जाता है कौन सी फसल बोने की सलाह दी जाती है चना की बुआई करने की सलाह दी जाती है है ना टू फोर डी क्या है एक खरपतवार नासी है क्या, है का मतलब क्या, मतलब क्या सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों वनों और जंगलों का अध्ययन क्या कहलाता है सिल्वी कल्चर कहलाता है जी हाँ दोस्तों सिल्विकल्चर वनों और जंगलों का अध्ययन वृक्ष वनस्पतियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है वृद्धि संवर्धन मतलब अरबोरी कल्चर याद रखना क्या कहते हैं अरबोरी कल्चर कहते हैं ये क्या है सिल्वी कल्चर ये क्या है ओलेरी कल्चर ये क्या है हॉर्टी कल्चर ठीक है याद रखना फलों का अध्ययन क्या कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है फलों के मीठे होने का कारण क्या है फ्रक्टोज है सर्वाधिक मीठी सरकरा कौन सी होती है तो सर्वाधिक मीठी सरकरा यही होती है दोस्तों सर्वाधिक मीठी सरकरा यही होती है जी कौन कौन सी सी फ्रक्टोज फ्रक्टोज होती है 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 भाई प्रकृति में सबसे ज्यादा सरकरा पाई पाई जाती है। पा जाती है भैया वरुण और ध्यान दीजिएगा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है जी हाँ फूलों की खेती क्या कहलाती है फ्लोरिकल्चर कहलाती है मक्के में कौन सा प्रोटीन होता है जीन होता है दोस्तों जरा ध्यान से सुनना हमने अभी आपको तो बताया था कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है तो ग्लू होता है कौन सा ग्लूटीन होता है दोस्तों और ध्यान दीजिएगा दालों में कौन सा प्रोटीन होता है होता है कौन सा होता है प्रिलेमिन्स होता है भाई और बताया था क्या भाई कि अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है अंडे में होता है ग्लोब्यूलिन

करनाल हरियाणा करनाल का युद्ध याद है 1739 जिसमें नादिर शाह ने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था जी हां दूध को शुद्धता दूध की शुद्धता कैसे नापते हैं लैक्टोमीटर से अब जरा एक चीज का ध्यान दीजिएगा एक होता है लैक्टोज एक होता है क्या एक होता है लैक्टिक एसिड क्या होता है एक होता है लैक्टिक एसिड होता है दोस्तों और एक क्या होता है एक होता 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 है होता है है लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस क्या और इसी प्रकार से एक क्या होता है एक लैक्टोमीटर होता है क्या होता है लैक्टोमीटर होता है ठीक है भाई अब जरा ध्यान देना ये सब क्यों बता रहे हैं ये सब इसलिए बता रहे हैं और एक होता है केसीन क्या होता है केसीन सुनना भाई लैक्टोज क्या होता है लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली क्या है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं लैक्टोज कहते हैं दूध में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड कहते हैं दूध को दूध को दही में बदलता है दूध को दही में कौन बदलता है तो दूध को दही में बदलता है आपका है ना लैक्टोबैसिलस लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं शुद्धता नापते हैं जी हां केसीन क्या करता है दूध का रंग श्वेत करता है क्या करता है सफेद करता है और ये सारी बातें किसके बारे में है दूध के बारे में किसके बारे में है दूध के बारे में है एकदम ठीक है एकदम ठीक है बढ़िया है शानदार है धमाकेदार है ठीक है बिल्कुल 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 ठीक है भाई तो पूरा का पूरा एकदम वीके का जीके अंदाज में है भाई है ना दूध में वसा मापने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं गड़बड़ विधि का इस्तेमाल करते हैं दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है 6.4 से 6.6 होता है दूध का पास्टुरीकरण किस पर होता है है ना यह लुई पास्टर ने किया था भाई पास्टुराइजेशन पास्टुराइजेशन जो होता है दूध को दूध का कितने पर होता है सिक्सटी से थर्टी है ना सिक्सटी डिग्री सेल्सियस पर थर्टी मिनट रखने पर ठीक है दूध का रंग सफेद किसकी वजह से होता है याद रखना दूध का सफेद रंग की वजह से होता है लेकिन दूध और घी का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है हालांकि जो पत्तियों का पीलापन होता है वो भी कैरोटीन की वजह से होता है पत्तियों का पीलापन भी वो भी कैरोटीन की वजह से होता है ठीक है भैया प्रोटीन नहीं तब क्या होगा है ना क्या होगा प्रोटीन नहीं तब क्या होगा सरकरा कहेंगे क्या अच्छा लैक्टोज नाम की हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहां प्रोटीन न रहकर क्या होना चाहिए सरकरा होना चाहिए होता है एकदम सही बात है देखिए दूध का सफेद रंग केसिन की वजह से और येलो रंग जो होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है जो पत्तियों का पीलापन है वो भी कैरोटीन की वजह से होता है जो गाजर का रंग है वो भी कैरोटीन की से होता है भाई सूरज ठीक है आगे देखते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दूध में मीठापन किसकी वजह से होता है लैक्टोज नामक शर्करा की वजह से दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है दूध से दही लेक्टोबैस के कारण बनती है चाय में क्या होता है थीन होता है कॉफी में क्या होता है कैफीन होता है तंबाकू में क्या होता है निकोटीन होता है एरबिका और रोबेस्टिका क्या है कॉफी की किस्में है पौधों में वृद्धि कैसे मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर से या फिर कैसकोग्राफ से बहुत बार पूछा गया है दोस्तों मलेरिया की रोकथाम के लिए औषधि जो कुनैन प्राप्त होती है सिंकोना की छाल से जो कि एक आवृत्त बीजी पौधा है ना सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है जी हाँ देखो भाई यहां पर दो चीजें हैं दोस्तों याद रखना अगर आपसे कहे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है तो आप बताएंगे सोयाबीन लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं तो आपका जवाब क्या होगा आपका जवाब होगा दाल क्या जवाब होगा दाल आपका जवाब होगा ठीक है भैया प्रथमेश याद करना पड़ेगा दोस्तों एपी कल्चर एपी कल्चर मधुमक्खी पालन होता है पीसी कल्चर क्या होता है मत्स्य पालन होता है रेशम पालन क्या होता है एपी का आपका क्या नाम है

की वजह से होता है पत्तियों का जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है समझ पा रहे हैं जी हां एकदम गाजर का रंग भी कैरोटीन की वजह से होता है ठीक है भैया और जो मिर्च होती है उसका कैरिको कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें आपकी खोपड़िया में बैठा देंगे किसी दिन विशेष रूप से इस पर एक विशेष अलग से क्लास लेकर आते हैं मजा आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है एकदम सही बात है जैसे राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है और अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान लीमा में है जो कि पेरू की राजधानी है दोस्तों तालीस गोलियों के रूप में क्वेश्चन लेकर आए हैं गोली की तरह चलेगा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर क्या बात है आप समझ गए होंगे यहां से क्वेश्चन आता है ना तो चलिए पहला एकदम एक एक करके अजंता एवं अलोरा आप सभी जानते हैं कि अजंता और अलोरा दोनों औरंगाबाद में स्थित है जिसमें से अजंता और रिलेटेड है और बौद्ध धर्म में भी मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है जातक कथाओं से रिलेटेड है दोस्तों किससे रिलेटेड है जातक कथाओं से रिलेटेड है और अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस काल की है दोस्तों गुप्त काल की है किस काल की है गुप्त काल की है अगली बात सुनिएगा भाई इधर अगर हम एलोरा की बात करें तो एलोरा में जो है एक कैलाश मंदिर है जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था तो आपका जवाब होता है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किसने बनवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था ठीक है भाई और एलोरा के मंदिर जो है ये बौद्धों के लिए जैनियों के लिए और हिंदुओं के लिए तीनों के लिए जाने जाते हैं अगली बात सुनिएगा शांति निकेतन बहुत इंपॉर्टेंट है यह कोलकाता में स्थित है जिसको किसने बनवाया था रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है किससे रिलेटेड है रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है दोस्तों अब सुनिएगा विजय स्तंभ कहां पर है चित्तौड़गढ़ में है किसने बनवाया था राणा कुंभा ने बनवाया था दोस्तों किसने बनवाया था राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था ठीक है भैया एकदम भाई अंकुर अगला देखिएगा चार मीनार कहां पर है दोस्तों हैदराबाद में है जिसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था किसने बनवाया था कुली कुतुब शाह ने बनवाया था मित्रों किसके उपलक्ष्य में भैया प्लेग उन्मूलन की याद में किसकी याद में प्लेग उन्मूलन की याद में इसको बनवाया था हम्पी कहां पर है दोस्तों हम्पी कर्नाटक में है हम्पी कहां पर है कर्नाटक में है और ये जो हम्पी है यहां से किसके खंडहर मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिलते हैं किसके भैया विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिलते हैं यह आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और एक बात और बताए विजयनगर क्या किया गया है विजयनगर जो है न कर्नाटक का इकतीसवां जिला घोषित किया गया है घोषित किया गया है दोस्तों अगर को कर्नाटक का इकतीसवा जिला घोषित किया गया है और चिल्का झील उड़ीसा में है जो कि भारत की सबसे बड़ी झील भी है और है ना यह भारत की पहली रामसर साइट भी है जी हाँ भारत में पहली रामसर साइट भारत में किस स्थल को सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया था चिल्का को लैगून झील है एलिफेंटा की गुफाएं कहा मिलेंगी बंबई में मिलेंगी और एलिफेंटा की गुफाओं में हमें और क्या देखने को मिलता है डांसिंग शिवा जी हाँ डांसिंग शिवा कहाँ देखने को मिलते हैं यह भी रेलवे का फेमस क्वेश्चन है डांसिंग शिवा नृत्य करते हुए डांसिंग शिवा कहा मिलेंगे यहीं पर मिलेंगे दोस्तों और मजा आएगा तब जब लाइक करते चलोगे ऐसे नहीं चलेगा चलिए भैया हाँ भाई खेमचंद गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है दोस्तों बंबई में है जिसको किसकी याद में बनवाया गया था जो ये आपका जॉर्ज पंचम के आगमन पर जॉर्ज पंचम के आगमन के सम्मान में इसे बनवाया गया था दोस्तों जामा मस्जिद कहां पर है दिल्ली वाली जो जामा मस्जिद है अच्छा आज थोड़ा नंबरिंग जो है एके फोर्टी सेवन की नंबरिंग सही नहीं हुई है उसके लिए माफी चाहेंगे लेकिन पूरे सैतालीस पॉइंट हैं ठीक है थीके? गिन सकते हैं आप ठीक है दोस्तों जामा मस्जिद जो दिल्ली में है इसको शाहजहां ने बनवाया था हालांकि जामा मस्जिद जो आगरा में है उसको इसकी बेटी जहां आरा ने बनवाया था ठीक है भैया चलिए अगला क्वेश्चन हाँ भाई अब जरा ध्यान दीजिएगा शिवम भैया ये तो गलत बात हो गई हमने बोला था अपनी टेक्निकल टीम को हम कल एक बार फिर बोल देंगे एक बार कल कर देना आप ठीक भाई? है हाँ भाई हाँ डांसिंग सिवा अलोरा बताया अच्छा अच्छा डांसिंग शिवा अलोरा में है सॉरी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डांसिंग शिवा अलोरा बताया था हम ही ने बताया था अभी परसों ही बताया था डांसिंग शिवा आपको कहा मिलेगा अलोरा में मिलेंगे डांसिंग शिवा ठीक है भैया डांसिंग सिवा कहा मिलेंगे दोस्तों एलोरा में मिलेंगे एकदम सही बात है है ना राष्ट्रकूटों से रिलेटेड है और देखिएगा रॉक गार्डन कहा मिलेगा चंडीगढ़ में चंडीगढ़ का संस्थापक कौन था दोस्तों ली जो है चंडीगढ़ का संस्थापक था ठीक है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में किसने बनवाया था अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष में दोस्तों उन्नीस पंद्रह में कब बनवाया था पंद्रह में सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था बुद्ध का है ना बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था प्रथम उपदेश दिया था कहां पर वाराणसी में दोस्तों चलिए आगे क्या है आगे है महाबलीपुरम के रथ मंदिर बहुत फेमस है चेन्नई में है पल्लव वंश से रिलेटेड है किससे रिलेटेड है पल्लव वंश से रिलेटेड है दोस्तों स्तूप कहां पर मिलेगा मध्य प्रदेश में मिलेगा है ना सबसे प्रसिद्ध स्तूप है लिंगराज मंदिर जो है किसने बनवाया था जजाति शासक केसरी ने किसने बनवाया था जजाति ने बनवाया था जो कि उड़ीसा के है ना भुवनेश्वर में है उड़ीसा के भुवनेश्वर में है दोस्तों और भुवनेश्वर जो है आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर है पहला शहर है दोस्तों अगला क्या है सूर्य मंदिर जो काला पैगोड़ा कहलाता है कोणारके के, -के उड़ीसा में है दोस्तों किसने बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था किसने बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था दक्षिणेश्वर मंदिर कहां पर है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है सोमनाथ मंदिर जो है दोस्तों गुजरात में है इसको किसने बनवाया था सोलंकी शासक ने बनवाया था जिसका नाम था भीमदेव प्रथम क्या नाम था इसका इसका नाम था दोस्तों भीमदेव प्रथम इसका नाम था ठीक है कैलाश मंदिर कौन सा कैलाश मंदिर है ना एलोरा महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर है इसको किसने बनवाया था

पूरा सुन के जाना है और लाइक करके जाना छोड़ना नहीं किसी को चलो भाई दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर है माउंट आबू राजस्थान में है किसने बनवाया था विमल शाह ने बनवाया था विमल शाह कौन था भीम प्रथम का मंत्री था भीम प्रथम का क्या था दोस्तों मंत्री था ठीक है भैया भी भीम प्रथम का मंत्री था दोस्तों चलिए हाँ रोज व्हाट्सएप पर अच्छा भैया शिवम एक बार कल और कर देना फिर हम सबकी खबर लेते हैं चलिए ऐसा लग रहा है आप पढ़ाते रहो अरे गजब भाई गजब शानदार लाइक ठोकते रहना अच्छा भाई शिवम हम ध्यान रखेंगे प्रियोरिटी बेसिस पर ठीक है भैया कल सर लखनऊ आने वाले हैं अच्छा भैया अभिषेक आओ भैया आओ 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 चलिए आप देखिए दोस्तों अगला क्या है होयसलेश्वर मंदिर हेलीबिट कर्नाटक में तट मंदिर आपका महाबलीपुरम जो पल्लवों से रिलेटेड है रामेश्वरम मंदिर तो आप जानते हैं तमिलनाडु में मिलेगा मीनाक्षी मंदिर याद करिए माता पार्वती जिनको मीनाक्षी कहा गया और भगवान शिव जिनको सुंदरेश्वर कहा गया है किसने बनवाया था पांडे शासकों ने बनवाया था मदुरई तमिलनाडु जो कि किस नदी के किनारे है वैगई नदी के किनारे है वैगई नदी के किनारे दोस्तों ब्रदेश्वर मंदिर जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसे राज, राज प्रथम ने बनवाया था जी हां तंजावुर तमिलनाडु में है ठीक है नटराज मंदिर कहां मिलेगा चिदंबरम तमिलनाडु में मिलेगा वेंकटेश

ठीक है भाई अमरनाथ मंदिर कहां पर है यह आपका जम्मू कश्मीर में है ठीक है जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है जिसको अनंत वर्मन ने बनवाया था किसने बनवाया था अनंत वर्मन ने बनवाया था भाई ठीक है है अनंत वर्मन जो कि ना आप देखेंगे है ना ये कहां पर मिलेगा पूरी उड़ीसा में ठीक हाँ। है भैया हाँ एमडी क्लासेस है भैया कुमार समीर जी वैष्णो मंदिर तो आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में ही है अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है अजमेर में स्थित एक क्या है एक मस्जिद है दोस्तों जिसको एक संस्कृत विद्यालय के स्थान पर किसने बनवाया था ऐबक ने बनवाया था किसने बनवाया था ऐबक ने खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे दोस्तों चंदेल शासकों ने बनवाए थे जो छतरपुर मध्य प्रदेश में है कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है याद करिए कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था नरसिंह वर्मन ने नरसिंह वर्मन द्विती ने जो कि किस वंश का था पल्लव वंश का था भाई पल्लव वंश का ठीक है विलियम फोर्ट भाई फोर्ट विलियम कहां पर था कलकत्ता में था जैसे मद्रास में क्या था मद्रास में याद करिए सेंट फोर्ट जॉर्ज था जी हाँ जैसे पांडिचेरी में फोर्ट लुई था वैसे ही दोस्तों ठीक है भाई अच्छा हवा महल जयपुर में है झूलता मीनार कहाँ पर है अहमदाबाद में है दोस्तों और प्रसिद्ध शासकों के कुछ मकबरे देख लीजिए बाबर का मकबरा काबुल में अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर का लाहौर में दोस्तों औरंगजेब का दौलताबाद दौलताबाद कहां पर महाराष्ट्र हाँ ना? और दरअसल में औरंगजेब का औरंगाबाद में है एग्जैक्टली exactly महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जहां इसकी बीवी का भी मकबरा है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है ठीक है भाई िस गोलियों के रूप में क्वेश्चन लेकर आए हैं गोली की तरह चलेगा प्रसिद्ध जगहों के भौगोलिक उपनाम यहाँ देखा होगा तो चलिए शुरू किया जाए के बूस्टर यह रहा हजार हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है लावोस को हजार हाथियों का भूमि कहा जाता है लाओस कहां पर पड़ता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट एशिया का देश है नॉर्थ ईस्ट एशिया का देश है आप देखेंगे लाओस किसका मेंबर है आसियान का सदस्य है किसका सदस्य है आसियान का सदस्य है दोस्तों और आप देखेंगे ये वही आसियान है जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1967 में हुई थी और ये वही आसियान है जिसका हेड ऑफिस आपको कहा मिलता है हेड ऑफिस आपको जकार्ता में मिलता है दोस्तों जी हाँ जकार्ता में यह की रानी किसे कहते हैं एड्रियाटिक वेनिस को कहा जाता है जो कि इटली में पड़ता है वैसे तो इटली की राजधानी क्या है वैसे तो दोस्तों इटली की राजधानी क्या है इटली की राजधानी रोम है जहां पर किसका मुख्यालय है हन, मुख्याल है ना एफ का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है एड्रियाटिक क्या है दोस्तों एड्रियाटिक में दरअसल में एक समंदर है जो कि भूमध्य सागर में पड़ता है एड्रियाटिक आपको वेनिस मिलेगा जिसको एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है अंध महादेश किसको कहते हैं अफ्रीका को कहते हैं दोस्तों अफ्रीका को सांपों का महादेश भी कहा जाता है इसके अलावा इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है ठीक है दोस्तों क्या कहते हैं काला महाद्वीप भी कहा जाता है अफ्रीका के बगल में जो आपका है ना आपको अटलांटिक ओशियन मिलेगा उसको भी हम आपको क्या कहते हैं उसको भी अंदर महासागर भी कहा जाता है दोस्तों बिल्कुल है ना और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अल्जीरिया है और अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो नाइजीरिया है जबकि सबसे छोटा देश कौन सा है सेसेल्स से है दोस्तों यहीं पर मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा भैया मरुस्थल जिसका नाम क्या है दोस्तों सहारा मरुस्थल है और यहीं पर

ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को और क्या कहा जाता है दोस्तों मेगा डाइवर्स कंट्री भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मेगा डाइवर्स देश भी कहा जाता है इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों और इसी ऑस्ट्रेलिया को और क्या कह सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों गोल्डन लैंड ऑफ फ्लिस भी कहा जाता है है ना लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस भी कहा जा सकता है क्या कह सकते हैं लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस भी कहा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया को ठीक है भैया लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जा सकता है इसको भी याद रखिएगा अच्छा भाई अब इसके अलावा आप देखेंगे भाई इसके बाद आप देखिए पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं ओसाका को कहते हैं दोस्तों ओसाका कहां पड़ता है जापान में पड़ता है आसुओं का द्वार किसे कहते हैं बाब अल मंडेब को कहते हैं जो कि किसके किसके बीच है ओमान और जिबूती के बीच में है किसके किसके बीच है दोस्तों ओमान और जिबूती के बीच में है अरे भाई जिबूती नहीं जानते हैं अरे याद करिए अगर आप देखें तो भैया हॉर्न हॉर्न ऑफ ऑफ अफ्रीका अफ्रीका किसे कहा जाता याद है है याद में आपको जिबूती मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखिएगा तो एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताते हैं ई साइज ई का मतलब क्या हो जाता है ई e का मतलब हो जाता है दोस्तों इथोपिया है ना सा का मतलब क्या हो जाता है सोमालिया हो जाता है जी हाँ और ई का मतलब क्या हो जाता है इरिट्रिया हो जाता है और लास्ट में जा का मतलब क्या हो जाता है जिबूती हो जाता है दोस्तों और इन सभी चारों देशों को मिलाकर क्या जाता कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है 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 इसी 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 में से ये जो है ना, इसी जीबूती, इसी जीबूती जो जिबूती 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 ना के ऊपर ओमान है जो कि अरब प्रायद्वीप पर पड़ता है और इन दोनों के बीच में एक सागर है जिसको क्या कहते हैं लाल सागर कहते हैं और उसी लाल सागर के किनारे पर मिलेगा क्या बाब अल मंडेब जल संधि जिसको कहते हैं आंसुओं का द्वार दोस्तों अगली बात क्या लिखी है मरकट द्वीप किसे कहते हैं आयरलैंड को कहते हैं दोस्तों आयरलैंड वही है जिसकी राजधानी क्या है जिसकी राजधानी आपको मिलेगी डबलिन क्या मिलेगी डबलिन भारत में जो डीपीएसपी है जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं राज्यसभा में जो बारह सदस्यों का मनोनयन होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी आयरलैंड से ही लिया गया है चलिए आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन क्या है आगे देखिए भाई मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है बहरीन को कहा जाता है पवित्र भूमि किसे कहते हैं जेरूसलिम इसको राजधानी किसने बना रखा है दोस्तों इसराइल ने इसे अपनी राजधानी बना रखा है इसराइल व फिलिस्तीन के बीच विवाद है इसको लेकर इसराइल फिलिस्तीन विवाद जो है इसको लेकर है दोस्तों और अगर आप देखिएगा तो एक मस्जिद यहां पर है जो बहुत फेमस है कौन सी अल अक्सा मस्जिद कौन सी भैया अल अक्सा मस्जिद जिसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता है तो इसको भी याद रखिएगा पेपर में आ सकता है कि अल अक्सा मस्जिद कहां पर है दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए ब्लू माउंटेन कहां पर है तो यह आपका मिजोरम में मिलेगा भारत का बगीचा किसे कहते हैं बेंगलुरु को कहते हैं अब एक बात और ध्यान से सुनना एक क्वेश्चन आता है क्या एक आता है साइलेंट वैली दोस्तों एक आता है साइलेंट वैली किसे कहते हैं एक क्वेश्चन आता है सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं भारत की बात हो रही है दोस्तों और एक क्वेश्चन आता है क्या फूलों की घाटी किसे कहा जाता है क्या पूछ क्वेश्चन आता है फूलों की घाटी किसे कहा जाता है दोस्तों अब जरा ध्यान देना एकदम ध्यान दीजिएगा साइलेंट वैली किसे कहते हैं भाई तो साइलेंट वैली कहां पर है केरल में है साइलेंट वैली कहाँ पर पश्चिम घाट में है दोस्तों साइलेंट वैली सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं भारत में बेंगलोर को कहते हैं और पूरे विश्व में सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं फूलों की घाटी कहाँ मिलेगी उत्तराखंड में मिलेगी दोस्तों चलिए फलों की डलिया किसे कहते हैं हिमाचल प्रदेश को कहते हैं जहां के मुख्यमंत्री कौन है जयराम ठाकुर हैं गवर्नर कौन है राजेंद्र अल्लेकर हैं और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये भैया 100 परसेंट हंड्रेड परसेंट एलपीजी कनेक्शन 100 परसेंट एलपीजी कनेक्शन अगर आप देखिएगा तो जो हिमाचल प्रदेश है कई मामलों में खास है दोस्तों क्यों भैया पहली बात तो यह है कि अगर आप देखें तो 100% एलपीजी कनेक्शन सबसे पहले किस राज्य ने पूरा किया है तो हिमाचल प्रदेश ने पूरा किया है 100% परसेंट कोविड वैक्सीनेशन किसने पूरा किया है तो 100% परसेंट कोविड वैक्सीनेशन दोस्तों यह भी हिमाचल प्रदेश ने पूरा किया है इसके बाद आप देखिएगा कि फर्स्ट पहला ई कैबिनेट प्रणाली फर्स्ट ई कैबिनेट सिस्टम कहां लागू किया गया है तो फर्स्ट ई कैबिनेट सिस्टम लागू किया गया है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों जी हाँ इसके बाद हिमाचल प्रदेश और राज्यों और मामलों में बहुत सारे हैं दोस्तों लेकिन पहले फिलहाल और चीजों को देख लेते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं पुणे को कहते हैं अब अगर आप पुणे की बात करिएगा तो पुणे में कई सारी चीजें खास है दोस्तों क्या क्या जैसे आप देखेंगे यर्वदा जेल यहीं पर है जहां पर महात्मा गांधी को है ना क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी बंद करके रखा गया था यरवदा जेल से ही हाल ही में क्या शुरू हुआ है हाल ही में से महाराष्ट्र सरकार ने यहां से जेल पर्यटन शुरू किया है किसने महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में ही स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट क्या स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट जिसने क्या किया है जिसने बनाया है कोविशील्ड वैक्सीन दोस्तों इसके बाद देखिएगा भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र हाल ही में कहा बना है भारत में पहला जो कृषि निर्यात केंद्र बना है दोस्तों वो पुणे में ही बना है जी हाँ इसके बाद देखेंगे आप दोस्तों भारत में मौसम संबंधी मानचित्र भारत में मौसम संबंधी मानचित्र कहाँ से जारी होते हैं मौसम संबंधी मानचित्र यहीं से जारी होते हैं मानचित्र यहीं से जारी होते हैं यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी दोस्तों पुणे से लेकर मुंबई तक चली थी पहली एक्सप्रेस कौन सी अरे मुंबई से पुणे तक क्या हुआ था पहला एक्सप्रेसवे भारत में कहा बना था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ठीक है भैया चलिए आगे चलते हैं भाई एकदम पूरा पीडीएफ जो है मिलेगा एकदम वहां पढ़ना स्वर्णिम पैगोड़ा का देश किसको कहते हैं म्यांमार को कहते हैं राजधानी क्या है दोस्तों न्यायिता यहाँ की राजधानी है यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों क्या यहाँ की मुद्रा है क्या है भैया यहाँ की मुद्रा है क्या है क्या की मुद्रा है इसी को पहले क्या कहा जाता था बर्मा कहा जाता था 1935 में अलग हुआ था 48 में आजाद हुआ था भूमध्य भूमध्य सागर सागर का द्वार किसे कहते कहते हैं हैं जिब्राल्टर को कहते है, मतलब सागर की कुंजी कहते हैं ये एक जलसंधि है जो कि अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है जबकि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है दोस्तों इसी प्रकार से देखिएगा लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस आपको बताई दिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री है दोस्तों इसके बाद देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है तो कैनबरा यहाँ की राजधानी है भाई ठीक है इस्पात नगरी या स्टील सिटी जमशेदपुर को कहते हैं जो कि झारखंड में है कहां पे है दोस्तों झारखंड में है बिल्कुल भाई दीपक है ना सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को पूरी दुनिया की अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इसी को क्या कहते हैं इसी को सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है है ना इसी को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं बेंगलोर को उसी प्रकार से पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं सैन फ्रांसिस्को अमेरिका को ठीक है भैया है ना चलिए भाई अच्छा भैया रोहित जी कोई बात नहीं है ना जिसको ये स्पीड ना अच्छी लग रही हो ए के फोर्टी सेवन की स्पीड जिसको अच्छी ना लग रही हो तो दोस्तों ये जरा सोच के देखिए कि आपको पचास क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से अभी डिस्कस कराए हैं अब ये फोर्टी सेवन जो है ए के फोर्टी सेवन जो है ये ताबड़तोड़ गोलियों की तरह चलाने के लिए ही रखा गया है इसको डिस्कस कराने के लिए नहीं रखा गया है ठीक है भैया ताकि आपके एक दिन में कम से कम जो है सौ क्वेश्चन के आसपास हम कराएं और उस सौ क्वेश्चन के डिस्कशन के माध्यम से आपके चार सौ क्वेश्चन पूरे हों ठीक है भैया चलिए हाँ तो ऐसे ही थोड़ा ना इसका नाम एके एक फोर्टी सेवन है भारत का मसालों का बगीचा अच्छा आप जरा ध्यान देना अरे भाई मसालों का बगीचा पूछ लिया तो क्या बता दिया आपने मसालों का बगीचा पूछ लिया दोस्तों तो क्या बता दिया आपने केरल बता दिया क्या बता दिया, क्या बता दिया? केरल बता दिया अब जरा सोचना अब जरा देखना दोस्तों मसालों का राजा भैया मसालों का राजा किसे कहते हैं मसालों का राजा किसे कहते हैं मसालों की रानी किसे कहते हैं तो मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को किसको कहा जाता है काली मिर्च को और मसालों की रानी किसे कहा जाता है इलायची को कहा जाता है अब एक बात और मसालों का बगीचा आप केरल को कह लीजिए लेकिन अगर कहा जाए मसालों का सर्वाधिक उत्पादन तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो याद रखना मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है इसका सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है कहां पर होता है आंध्र प्रदेश में होता है और जरा ध्यान से सुनिएगा Video, मसाला द्वीप किसे कहते हैं दोस्तों मसाला द्वीप किसे कहा जाता है इंडोनेशिया को मसाला द्वीप कहा जाता है किसको कहा जाता है इंडोनेशिया को मसाला द्वीप कहा जाता है चलिए आगे बढ़े भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं मुंबई को क्योंकि यहां पर गेटवे ऑफ इंडिया है याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया किसके सम्मान में बना था जो जॉर्ज पंचम के सम्मान में बना था जॉर्ज पंचम और उनकी रानी आई थी मैरी है ना कब दिल्ली दरबार में आई थी उन्हीं के सम्मान में इसको बनाया गया था जबकि जो दिल्ली का इंडिया गेट है उसे प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया था ठीक है भैया बिल्कुल भाई मुन्ना जी कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं बेल्जियम को कहते हैं बेल्जियम की राजधानी क्या है दोस्तों याद करिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है क्या है भैया ब्रुसेल्स है और याद रहे जो ब्रुसेल्स है यहाँ पर दो संस्थाओं का मुख्यालय है एक तो नाटो का मुख्यालय है दूसरा यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है सोया प्रदेश किसको कहते हैं मध्य प्रदेश को कहते हैं जो सोयाबीन के उत्पादन में दलहन के उत्पादन में तिलहन के उत्पादन में नंबर वन है ठीक है भैया अंडों की टोकरी किसे कहते हैं आंध्र प्रदेश को कहा जाता है पिरामिड का देश किसे कहा जाता है मिस्र को कहा जाता है और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है क्या कहा जाता है नील नदी का वरदान भी कहा जाता है है ना मिस्र अर्थात इजिप्ट जी हाँ इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं बेंगलुरु को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है इसरो का हेड ऑफिस है इसरो का हेड ऑफिस है और यहीं पर जो है आप देखेंगे हाल ही में टेस्ला इंक भी स्थापित हुई है है ना जो की एलन मस्क की संस्था है पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं कोचिन को कहते हैं कोचिन को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों अरब सागर की रानी भी इसे कहा जाता है और अगर आप देखेंगे तो कोचिन में ही स्थापित किया गया है शुरू किया गया है क्या फर्स्ट वाटर मेट्रो क्या शुरू किया गया है फर्स्ट वाटर मेट्रो भी यहीं पर लॉन्च किया गया है ठीक है भाई चलिए आगे बढ़े सांपों का देश ब्राजील को कहते हैं जो कि अमेजन के जंगलों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगला क्वेश्चन क्या है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं तुर्की को कहते हैं तुर्की का नया नाम क्या हो गया है, है इसका नया नाम हो गया. क्या हो गया गया क्या है, है. यहां के प्रधानमंत्री हैं और तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों अंकारा है क्या है क्या राजधानी अंकारा है ठीक है भाई और तुर्की एशिया का देश होने के बावजूद जो है नाटो का सदस्य है किसका सदस्य है नाटो का सदस्य है और यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है भारत का पीट्सबर्ग किसको कहते हैं जमशेदपुर को कहते हैं जो कि झारखंड में दोस्तों और याद रहे पीट्सबर्ग कहां पर पड़ता है तो पीट्सबर्ग याद रखिएगा कहां पड़ता है दोस्तों रशिया में पड़ता है कहां पर पड़ता है रशिया में पड़ता है हालांकि रशिया की राजधानी क्या है मॉस्को है गुलाबों का शहर किसी को, को कहते हैं चंडीगढ़ को कहते हैं चंडीगढ़ की स्थापना किसने की थी ली कार्बुसियर ने इसकी स्थापना की थी किसने की थी ली कार्बुसियर ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों आपसे बताएं आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि नई दिल्ली का संस्थापक कौन है तो नई दिल्ली का संस्थापक आप बताने

फ्रांसिस मार्टिन इसका संस्थापक है इसी प्रकार से कलकत्ता का संस्थापक कौन है तो कलकत्ता का संस्थापक जो है कौन है भैया जॉब चौरनौक है कौन है जॉब चौरनौक यहाँ का संस्थापक है और चंडीगढ़ का यहाँ पर बताई दिया ली कार्बू सियर है ठीक है भैया और देखो गुलाबी शहर या पिंक सिटी किसे कहते हैं जयपुर को कहते हैं किसको कहते हैं जयपुर को कहते हैं है। एकदम शानदार चले भैया हाँ बिल्कुल जवाब चौर नाक भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत का पेरिस किसे कहते हैं जयपुर को कहते हैं विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं क्यूबा को कहते हैं भारत में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए तो किसको कहेंगे यूपी को कहेंगे क्योंकि सर्वाधिक चीनी या गन्ना उत्पादन कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में होता है ठीक है भैया एकदम बिल्कुल भैया आशीष ठीक है आगे देखिएगा धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं और उगते सूरज का देश किसको कहते हैं जापान को कहते हैं है ना नील का नील नदी का उपहार मिस्र को कहते हैं हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं राजधानी क्या है इसकी इसकी राजधानी दोस्तों बर्न है जेनेवा भी यही स्थित है मध्य का देश नार्वे को कहते हैं जो अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भी यही पर है अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र नार्वे इसकी राजधानी क्या है दोस्तों ओस्लो यहाँ की राजधानी है जहां शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है चीन का शोक किसे कहते हैं हॉगो नदी को कहते हैं बिहार का शोक कोसी नदी को बंगाल का शोक दामोदर नदी को उड़ीसा का शोक महानदी को श्वेत नगरी बेलग्रेड को कहते हैं जो की यूरोप में पड़ता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर दक्षिण भारत का कोयम और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद इस प्रकार से एकदम आग लगा देंगे भैया एकदम आग आग तो यहां नहीं लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए चाहिए कहा यहां दिल में लगनी चाहिए आग किसी भी काम को करने के लिए जुनून होना चाहिए क्योंकि आज के समय में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको जुनूनी बनना पड़ेगा खून पसीना एक करना पड़ेगा क्योंकि आपको अब की पेपरवा की खोपड़िया में छेद करना है 47 गोलियों के रूप में क्वेश्चन लेकर आए हैं गोली की तरह चलेगा क्या बात है चलो भाई तो ये रहा पहला कोरोना वायसराय की पुष्टि कोरोना कोरोना वायरस की पुष्टि वायसराय देखो वायसराय पढ़ाते पढ़ाते इतना गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ा दिया कि वायरस को भी वायसराय ही बोल रहे हैं <laughs> क्या बताएं मतलब ये देखो भाई तो कोरोना वायरस की पुष्टि कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले कब हुई थी तो याद रखना सबसे पहले दिसंबर 2019 में हुई थी कहां पर हुई थी चीन में हुई थी और चीन में भी कहां हुई थी वुहान में हुई थी और यह किस प्रांत की राजधानी है हुबेई प्रांत की राजधानी है किसकी राजधानी है दोस्तों हुबेई प्रांत की तो क्या-क्या क्वेश्चन -क्या क्या 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 बन सकता है कि कोरोना वायरस सबसे पहले कब पहचान किया गया था दिसंबर 2019 में कहां पर चीन के वुहान में अगला देखिएगा अगला है एकदम नंबर में 47 है दूसरा देखिए WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या दिया था कोविड-19 नाम दिया था याद रखना कोरोना वायरस डिजीज है ना कोरोना वायरस डिजीज नाम दिया था अगली बात क्या है अगली बात है कि 11 मार्च डब्ल्यू एच ओ द्वारा कोरोना को वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया ठीक है भैया मीना जी अगली बात कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है मुख्यतः तो याद रखना कोरोना से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है दोस्तों फेफड़ा है लंग्स है एकदम सुनते रहिएगा पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहां दर्ज किया गया था तो भैया दर्ज किया गया था केरल में अब एक बात का ध्यान रखना पहला मामला केरल में आया था लेकिन पहली डेथ कहाँ हुई थी याद रखना भारत में पहली डेथ कहां हुई थी कर्नाटक में हुई थी तो पहला मामला केरल में आया लेकिन पहली डेथ कहां हुई कर्नाटक में हुई इसका पूरा पीडीएफ आपको अलग से दे देंगे बेहतरीन तरीके से ठीक है भैया चलिए आगे बढ़े दोस्तों कुछ लोग जो बदतमीजी कर रहे हैं बिल्कुल बदतमीजी मत करिए मेरे भाई ठीक है हाँ सभी को एकदम सम्मान की दृष्टि से देखिए ठीक है बिल्कुल सम्मान की दृष्टि से देखिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है अगला क्वेश्चन क्या है आप देखिए लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां इसका कोई मामला नहीं आया जी हाँ दोस्तों जी हां आगे बढ़ते हैं सातवा देखिएगा कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने लगभग 12 अरब डॉलर की राशि सहायता के रूप में दी है अभी तक ठीक है भैया और देखो क्या है देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहां हुई थी कर्नाटक में एकदम स्टार लगाते चल रहे उसी को विशेष रूप से याद रखिएगा ठीक है भैया पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ठीक है भैया चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद देखिएगा तो कितने हो गए आठ नौवा तथ्य क्या है भारत ने कोविड नाइनटीन के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम जो लागू किया था यह कब पास किया गया था अठारह जा सकता है कि कौन सा कब कब लागू किया गया था मतलब अधिनियम यह पास हुआ था अठारह ठीक है दसवां तथ्य क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू कब लगाया गया बाईस मार्च दो याद करिए पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार कहीं पर जनता कर्फ्यू लगा था तो पूरी दुनिया का पहला जनता कर्फ्यू भारत में लगा ठीक है भैया चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद 11वां देखिएगा दोस्तों कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत में 23 मार्च 2020 को है ना भैया अच्छा ये 2020 होगा ये भी है ना 23 मार्च 2020 को पहली बार लॉकडाउन लगाया गया जी हां पहला लॉकडाउन कब हुआ 22 सॉरी 23 मार्च 2020 को और देखो भाई बाईस मार्च को पहले क्या लगाया जनता कर्फ्यू लगाया जनता ने सोचा कि इससे काम चल जाएगा लेकिन काम नहीं चला अगले ही दिन लगा दिया लॉकडाउन ठीक है भैया लॉकडाउन लगा दिया ठीक है आईपीएल पर भी विशेष क्लास लेकर जल्दी आएंगे ठीक है भैया हाँ चलिए अब देखे क्या है बारह बारहवें नंबर पे क्या है कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा अब जरा ध्यान दीजिए भैया अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो याद करिए हमने एक आपको ट्रिक बताई है क्या ना क्या ट्रिक बताई थी हमने हमारी हमारी पक्की रेल हमारी पक्की रेल है ना क्या है हमारी पक्की रेल बंद है ठीक है भैया हमारी पक्की रेल कोरोना में बंद है इस ट्रिक का मतलब क्या बताया था हमने हमने कहा था हाथ से क्या कर लेना हमने कहा था दोस्तों हा से हरियाणा कर लेना हरियाणा में क्या हुआ था हरियाणा ने सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित किया था ठीक है भैया और देखो दूसरा ठीक है प से क्या कर लो पंजाब कर लो

सबसे पहले पंजाब राज्य ने वही चीज लिखी हुई है सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड नाइनटीन इमरजेंसी फंड में भारत ने कितना पैसा दिया था दस मिलियन डॉलर दिया था ठीक है भैया कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर्स फंड की घोषणा की गई थी ठीक है इसके बाद भारत का पहला कोविड 19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलायंस ने खोला था याद करिए रिलायंस ने क्या किया था एक हजार का भैया एक हजार बेड का हॉस्पिटल बनाकर है ना तैयार कर दिया था फटाफट उस समय मजा आ गया था मतलब लगा था कि वाह रिलायंस वाह वाह मुकेश अंबानी वाह हाँ भैया मनोज जी 1200 से ऊपर हो गए लाइक लाइव क्लास में ही मजा आ गया बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सम्मान के लिए चलिए अगला क्वेश्चन भाई है ना कोविड 19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे आए बोरा जैसे पड़े रहेंगे तो प्रभावित ही तो होंगे किस देश के प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के हैं दोस्तों ठीक है अगला देखिएगा भैया कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो तो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन था कनाडा था कनाडा ने टोक्यो ओलंपिक को त्याग दिया था कि भैया इतना कोरोना है मनने नहीं जाना है जीत लेंगे पहले जो है जील है। अगला देखो, 19 दोस्तों कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया ठीक है 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है भैया रेलवे स्पेशल है इसीलिए आपको पिछले दो ढाई साल में कोरोना में जो कुछ भी हुआ है वो आपको बता रहे हैं। मजा आ जाएगा याद कर लीजिए पेपर में छपेगा दिमाग में छापिए दोस्तों तो ये हो गया आपका कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की कुोल पहल को विश्व के शीर्ष दस पहलों में शामिल किया था दोस्तों एकदम शानदार है कोविड नाइन्टीन से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था स्लोवेनिया था दोस्तों ठीक है भैया चलिए आगे देखिएगा कोरोना वायरस से निपटने के लिए जी ट्वेंटी ने ग्लोबल इकोनॉमी में फाइव ट्रिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा की थी जी हाँ और देखिए कोरोना का टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन था रूस था दोस्तों जहां तक टीके की बात है तो आप जानते हैं हमने बताया था कि अगर आपसे कोविड वैक्सीन पूछी जाए अगर आपसे कोविड वैक्सीन पूछी जाए तो हमने बताया था कि चाहे आपसे पहली मानव वैक्सीन पूछ ले ठीक है भाई पहली मानव वैक्सीन कौन सी थी स्पूतनिक थी कौन सी थी स्पूतनिक थी ठीक है और पहली जानवरों की वैक्सीन कौन सी थी पहली जानवरों की वैक्सीन कौन सी थी याद करिए यह थी कार्निवैक कार्निवैक ठीक थी, है और ये दोनों किसने विकसित की थी रसिया ने विकसित की थी किसने विकसित की थी रसिया ने विकसित की थी है कि नहीं एकदम शानदार ठीक है भैया हाँ हाँ भाई चलिए भाई अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं बताएंगे आगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे पहले अभी इसको खत्म होने दो भाई ठीक है अब देखिए भाई क्या है आपका देखिए भाई यह है आपका कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वच्छ हाथों को है की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सेफ हैंड्स चुनौती की शुरुआत किसने की थी ने मतलब एक तरह से है ना व्हाट्सएप के लिए भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए किस नाम से चैट बोर्ड बनाया गया था इसका नाम था माई गोव कोरोना हेल्प डेस्क ठीक है भैया चलिए माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प है किसने कोविड महामारी से संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट घोषणा की थी सार्क ने की थी दोस्तों आगे देखें. तो कितना हो गया बत्तीस हो गया ठीक है दस बारह क्वेश्चन हो रहा है ठीक है तो माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखती है क्राउन जैसी मुकुट जैसी ये मुकुटवा जो है सींग जो है घुसाए देता है एकदम ठीक है चलो भाई अगला देखो चौतीसवा कौन सा है अंकटार्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है दसवें स्थान पर है याद है माइनस में चली गई थी एकदम भयंकर वाली ठीक है भैया हाँ अच्छा पहला लॉकडाउन पच्चीस मार्च से चौदह अप्रैल अच्छा पच्चीस मार्च से चौदह अप्रैल हाँ एकदम सही याद दिलाया पहला लॉकडाउन कहा गया पहला लॉकडाउन ए ए कहा गया पहला लॉकडाउन भाई हाँ ये रहा पहला लॉकडाउन हाँ पहला लॉकडाउन जो है तेईस मार्च को नहीं लगा था एकदम सही कह रहे हैं एकदम सही बात कह रहे हैं मुझे भी एकदम एग्जैक्टली याद आया पच्चीस मार्च से लगा था तेईस मार्च से नहीं एकदम सही बात है भाई चलिए थैंक यू भैया सोएम जी एकदम सही याद दिलाया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखिएगा इसके बाद आप देखेंगे पैंतीस कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बता ही चुके हैं ठीक है भैया ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए चलाया गया था वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए चलाया गया था मिशन सागर कोविड 19 से निपटने के लिए मालदीव से, से और मेडागास्कर कोमोरोस को, को आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड 19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किया गया था ऑपरेशन संजीवनी कोविड 19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को कुल कुल मिलाकर बासठ टन आवश्यक है खाने पीने की चीजें दी थी भाई कोरोना कवच ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया था आरोग्य सेतु ऐप भी भारत सरकार ने लॉन्च किया था समाधान ऐप भी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने और ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना ने चलाया था भैया नमस्ते िस गोलियों के रूप में क्वेश्चन लेकर आए हैं गोली की तरह चलेगा देखो देखो तो शुरू शुरू करते हैं खेला खेला भैया सबसे पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन क्या लिखा है हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि कहां पर है मध्य प्रदेश में है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है इसका नाम बदलकर रख दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन क्या नाम हो गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन छपेगा ठीक है अगली बात सुनिए फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया अयोध्या कैंट हो गया क्या हो गया अयोध्या कैंट हो गया यह भी छटेगा भैया अच्छा भैया दीपक अगला देखो मिड डे मील योजना याद करिए मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी उन्नीस में पूरे देश में कब लागू हुई थी पूरे देश में लागू हुई थी उन्नीस सौ सत्तानवे में याद है कि नहीं और याद करिए इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना और प्रधानमंत्री पोषण योजना कब के लिए है दो हजार इक्कीस बाईस से दो हजार पच्चीस छब्बीस के लिए है याद रखना आपसे यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मिड डे मील योजना कब शुरू हुई पंचानवे में पूरे देश में कब लागू हुई सत्तानवे अट्ठानवे में अगली बात क्या है कि भैया इसका नाम बदलकर क्या हो गया प्रधानमंत्री पोषण योजना और प्रधानमंत्री पोषण योजना का है ना काल बताइए समय तो इक्कीस बाईस से पच्चीस छब्बीस तक के लिए ठीक है भैया चलिए आगे बढ़ते हैं भैया मुखल जी ठीक जबरदस्त है भाई संजीत हाँ, तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था बिल्कुल सही बात है सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने मिड डे मील योजना को उन्नीस में लागू किया था ठीक है भैया हाँ इसका नाम एक होना चाहिए अच्छा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है इसका नाम हो गया राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय ठीक है आगे देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम में है इसका नाम बदलकर हो गया औरंग राष्ट्रीय उद्यान ठीक है भैया ओरंग राष्ट्रीय उद्यान वैसे दोस्तों ये आसम जो है आसम में आप जानते हैं कि टोटल सात राष्ट्रीय उद्यान है अच्छा एक बात बताइए सर्वाधिक नेशनल पार्क कहां है अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक नेशनल पार्क तो याद रखना सर्वाधिक नेशनल पार्क कहां पर है सर्वाधिक नेशनल पार्क कितने ग्यारह कहां पर है मध्य प्रदेश में अच्छा सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है अंडमान निकोबार में है. अगर सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा तो अंडमान निकोबार बताएंगे लेकिन अगर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो मध्य प्रदेश बताएंगे समझ पा रहे हैं जी हां अरे भैया अंडमान निकोबार में आप विश्वास करेंगे कितने हैं चौरानबे हैं कितने हैं चौरानबे हैं इस बात को याद रखना अगर हम कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य क्या कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं तो आप देखेंगे अंडमान निकोबार में कितने है? चौरान में हैं चौरानवे में है और महाराष्ट्र में कितने हैं अड़तालीस है कितने हैं अड़तालीस है समझ रहे हैं अच्छा याद रख अरे भाई एक बात और बताए महाराष्ट्र में लोकसभा सीट भी तो अड़तालीस है नहीं है महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें भी अड़तालीस है फर्क होता है फर्क होता है देखिए ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा बताएंगे आपको इतमी से अब देखिए भाई ये बात समझ में आई आसम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है सात और आप जानते हैं कि हमने एक बात और बताई है कि अगर आप देखेंगे तो जो आसम है दोस्तों आसम का जो छठवा है वो देश का एक सौ छठवा है ठीक है आसम का जो सातवां नेशनल पार्क है वो जो है देश का क्या है एक सौ नेशनल पार्क है कौन सा है एक सौ छठा कौन सा है तो रायमोना है क्या नाम है इसका रायमोना नेशनल पार्क है। और एक सौ कौन सा है इसका नाम है देहिंग पटकोई क्या नाम है इसका देहिंग पटकोई समझ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हाँ चलिए अच्छा सेना खेल संस्थान पुणे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम ठीक है भैया नीरज चोपड़ा स्टेडियम पुणे में आपको बहुत कुछ बताया है याद करिए पुणे में क्या है भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र सीरम इंस्टीट्यूट है मौसम संबंधी मानचित्र पुणे से जारी होते हैं पुणे में और क्या है भाई पुणे में आप देखेंगे तो शिवाजी की साढ़े नौ फीट ऊंची प्रतिमा अभी हाल ही में स्थापित हुई है यहां पर यरवदा जेल है जहां से जेल पर्यटन अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है ठीक है भैया हाँ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं तो भाई देखिए हिसार हवाई अड्डा हिसार हवाई अड्डा कहां पर है हरियाणा में है इसका नाम बदलकर क्या हो गया है महाराजा उग्रसेन हवाई अड्डा ठीक है महाराजा अग्रसेन हुआ हवाई अड्डा राम मंदिर जाने वाला जो सड़क है उत्तर प्रदेश में उसका नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया है भाई कल्याण सिंह कौन है कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ठीक है भैया चलिए भैया आगे बढ़ा जाए है ना बिल्कुल बिल्कुल भैया पंकज जी धन्यवाद आपके समर्थन और स्नेह के लिए चलिए भाई अगला क्वेश्चन हो गया कि किसको दिया, किस दिया गया था विश्वनाथन आनंद को किसको दिया गया था विश्वनाथन आनंद को दिया गया था और इस बार कितने लोगों को दिया गया है ना मतलब लास्ट टाइम कितने लोगों को दिया गया बारह लोगों को ठीक है भैया हा अच्छा भैया चंद्रकांत भाई सोमपुरा एकदम भाई संजीत एकदम चलिए आगे बढ़ा जाए भाई अगला क्वेश्चन पीडीएफ हाँ, पीडीएफ मिलेगा मिलेगा इसका PDF आपको टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल चैनल पर हमारे भैया भैया कमलेश एमडी ठीक है पराम हाँ। दीपक भैया बता देंगे लेकिन उसके लिए अलग क्लास लेकर आएंगे टाइम लगेगा इतने जल्दी नहीं वो क्लियर होगा काकोरी ट्रेन भैया काकोरी कांड जो है जिसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है 1925 में हुआ था याद करिए काकोरी ट्रेन एक्शन कांड को किसने अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और इसमें रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई याद करिए अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी हुई रोशन सिंह को कहा फांसी हुई थी नैनी आ, आ, वहां पर रोशन सिंह को कहा फांसी हुई थी नैनी में और जो राजेंद्र लहड़ी थे उनको कहा फांसी हुई थी गोंडा में समझ पा रहे हैं चलिए तो याद रखना इसको मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया बनारस जंक्शन हो गया ठीक है मोहाली भैया बनारस में एक और है ना कौन सा मुगल सराय रेलवे स्टेशन मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है कि नहीं भैया चलिए आगे बढ़ते हैं है तो ना भैया एकदम भाई बुद्ध ठीक है भैया तो समझना कि भाई आपका बनारस में जो है भाई वो मडुआर रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन हो गया बनारस में जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया अच्छा दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर एक और रखा गया है जो गुजरात का कांडला बंदरगाह है उसका नाम भी क्या हो गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है कि नहीं दोस्तों है ना उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है ना और उधर कोलकाता बंदरगाह कोलका नाम, नाम पर हो गया है ना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हो गया ठीक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर चेनानी नासरी सुरंग का नाम भी हो गया किसका चेनानी नासरी सुरंग का नाम हो गया अगर हम अटल अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो लखनऊ में एक हजरतगंज चौराहा था उसका नाम अटल चौक हो गया और जो आपका रोहतांग सुरंग था उसका नाम अटल सुरंग हो गया ठीक है और जो लखनऊ में एक इकाना स्टेडियम है उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया समझ गए भैया हां बिल्कुल भाई समझ पा रहे हैं हमने आपको रिलेट करना बताया जैसे अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पकड़ते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर क्या क्या लोगे है ना तीन चीजें लो कम से कम एक तो चेनानी नासरी सुरंग का नाम इनके नाम पर हो गया हुआ कि नहीं हुआ चेनानी नासरी सुरंग ठीक है भैया चेनानी नासरी सुरंग का नाम इनके नाम पर हो गया दूसरी बात यह है कि कोलकाता बंदरगाह का जो नाम है वो भी इन्हीं के नाम पर हो गया कोलकाता का नाम और सुनो इसके बाद आप देखेंगे जो दीनदयाल उपाध्याय बताया दीनदयाल उपाध्याय में क्या क्या बताया तो जरा ध्यान दीजिए दीनदयाल उपाध्याय में आपको बताया कि भाई इनका नाम पर क्या हुआ एक तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन मुगल सराय रेलवे स्टेशन ठीक है भैया मुगल सराय रेलवे स्टेशन रेल स्टेशन ठीक है भैया रेलवे स्टेशन ये कहां पर है ये बनारस में आपको मिलेगा ठीक है कहां मिलेगा बनारस में मिलेगा ठीक है और क्या बताया हमने और दूसरा बताया कांडला बंदरगाह ठीक है भैया कौन सा कांडला पोर्ट का नाम बताया ठीक है कांडला पोर्ट और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर क्या क्या बताया तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हमने तीन चीजें बताई कौन कौन सी एक तो भैया कौन सा एक तो रोहतांग सुरंग ठीक है कौन सा रोहतांग सुरंग जो है रोहतांग टनल का नाम इनके नाम पर हो गया दूसरा क्या हो गया दूसरा जो है हजरतगंज चौराहा हजरतगंज चौराहा जो है ना हजरतगंज चौराहा हजरतगंज चौराहा कहां पर भाई हजरतगंज चौराहा जो लखनऊ में है इसका नाम इनके नाम पर क्या हो गया अटल चौक हो गया और तीसरा हमने क्या बताया था अटल जी के नाम पर तीसरा क्या बताया था हाँ, इकाना स्टेडियं। इकाना स्टेडियम स्टेडियम का नाम भी के नाम भी पर हो गया अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम ठीक है भैया स्टेडियम ठीक है चलिए और, और कोई दिक्कत एकदम शानदार है जबरदस्त है चलिए हाँ भाई बिल्कुल मुगल सराय चंदौली में है अच्छा किसने कहा मुगल सराय चंदौली में है तो हो सकता है मुगल सराय चंदौली में हो लेकिन अभी तक तो मुझे यही पता था अच्छा अटल नगर हाँ बिल्कुल अटल नगर हाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर का ना अटल नगर एकदम सही अरे भैया दुर्गेश वो अलग बात है मित्र हाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे इन्होंने ही कहा था एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेगा चलो अच्छा ये हो गया आगे बढ़ते हैं फिलहाल गोरे वाला चिड़ियाघर जो नागपुर में है नागपुर में गोरे वाला चिड़ियाघर है भैया नागपुर में और क्या मिलेगा नागपुर में आपको आर का हेड ऑफिस मिलेगा नागपुर में आपको क्या मिलेगा नीरी भी मिलेगा क्या मिलेगा नीरी भी मिलेगा जो उन्नीस में स्थापित हुआ था मिलेगा कि नहीं मिलेगा हाँ भैया अच्छा बिलासपुर गया भैया उपेंद्र अच्छा 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 हाँ हाँ बिल्कुल 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 भैया अर्पित

अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा और इसको मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं ठीक है भैया हां भाई आगे देखिए जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कौन है भैया पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और नितिन गडकरी को सड़क परिवहन एवं जर... जहाज रानी मंत्रालय पूरा दे दिया गया है है ना भैया एकदम भाई अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा सेक्टर 50। भाई देखो सबसे नया नया अभी लेटेस्ट में जो मन... मंत्रालय बना है वो कौन सा है उसका नाम है दोस्तों क्या सहकारिता मंत्रालय और वो किसको दिया गया है अमित शाह को दिया गया है ठीक है भैया हाँ भाई अर्पित हुबली जंक्शन का नाम हाँ बदला है क्या नाम है अच्छा क्या है अच्छा बड़ा अजीब सा नाम है ना हाँ सिरा दुधा सौमी करके कुछ अजीब सा नाम है बिल्कुल गुलाबी शहर क्यों नाम पड़ा था क्योंकि एक बार उसको पूरा गुलाबी से पेंट करा दिया गया <laughs> चलिए नौगढ़ रेलवे स्टेशन सिद्धार्थ नगर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन का नाम ठीक है भैया हुबली रेलवे स्टेशन देखो आ गया लो भैया आ गया हुबली रेलवे स्टेशन अच्छा एक बात बताए भाई देखो अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सॉरी सबसे बड़ा रेल प्लेटफॉर्म अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म तो आप क्या बताते हैं गोरखपुर बताते हैं लेकिन एक बात बताएं गोरखपुर सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है और हुबली जो है यह सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म यहां बन रहा है समझ रहे हैं भैया दोनों अलग अलग चीजें हैं भैया हुबली जो है कर्नाटक वाला यह सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा अंडर कंस्ट्रक्शन है ठीक है और गोरखपुर वाला ऑलरेडी है ठीक है भैया हाँ भाई लवली जी वैसे कुछ खास तो नहीं लेकिन क्या ही बताएं ठीक है भैया हाँ ठीक है ठीक है देखिए कुछ चीजों का नाम बदलना जरूरी है जैसे प्रयागराज जो है इलाहाबाद का बदलकर किया ये बहुत जरूरी था ठीक है भैया भाई, हाँ, भाई लव चलो अगला देखिएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया ठीक है शिक्षा मंत्रालय का गठन 1944 में सार्जेंट कमीशन की सिफारिश पर किया गया था ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे कर दिया गया मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम हो गया यह तो बहुत अच्छी बात है ठीक है अंबाला सिटी बस स्टेशन का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया है विदेशी सेवा संस्थान का नाम भी सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है क्योंकि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी ठीक है प्रसिद्ध मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो गया ठीक है भैया अच्छा सी ठीक है सी अलग है देखिये एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है यह वेस्टर्न रेलवे का भी मुख्यालय है और मध्य रेलवे का भी मुख्यालय है बार पेपर में आता है कि कौन सा एक रेलवे स्टेशन है जो दिखने में बाहर से बाहर से देखने में एक चर्च जैसा लगता है तो याद रखना बाहर से देखने में एक चर्च जैसा लगता है ठीक है भैया चलिए आगे बढ़ा जाए हाँ बिल्कुल बिल्कुल लो पॉइंट जी एकदम शानदार है ना गजब ठीक है भाई इसको भी याद रखना रेलवे सुरक्षा बल का नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा ठीक है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बता चुके हैं राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का तो भैया अरुण जेटली के नाम पर अरुण जेटली के नाम पर एक और नाम हुआ है कौन सा याद करिए जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला है उसका नाम हो गया अरुण जेटली है ना स्टेडियम हो गया ठीक है भैया चलिए आगे बढ़ते हैं भाई भोपाल मेट्रो रेल का नाम भोज मेट्रो रेल हो गया ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं अरे भैया हम अमर अरजीत हमारे नाम पे ना बनाओ मित्र चेनानी नास का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ठीक है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन हो गया ठीक है व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया हैवलाक का नाम और नील द्वीप का नाम क्रमशः स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप हो गया वैसे भी अंग्रेजों से आजाद होने वाला पहला क्षेत्र कौन सा था अंडमान निकोबार ठीक है भैया हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए भाई आगे देखिए रॉस नेताजी सुभाष चंद्र बोस थी ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा इसको रट लेना ठीक है भैया रट लेना फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अरुण जेटली के नाम पर ठीक है इसको मोहम्मद फिरोज तुगलक ने बनवाया था अहमदाबाद अहमदाबाद का प्रस्तावित नाम क्या है है ना करणावती शिमला का क्या है श्यामला है इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया ठीक है लीजन ऑफ अब देखो यहां से कुछ अवार्ड दिए हैं यहां पर क्या दिया हुआ है यहां पर दरसल में दोस्तों अवार्ड दिया है क्या दिया है अवार्ड दिया हुआ है जो मोदी जी को मिला है ठीक है मोदी जी को दिए गए अवार्ड मोदी जी को जो कुछ प्रमुख अवार्ड मिले हैं पिछले कुछ सालों में वो यहां पर देखा है ठीक है भैया महेश बाबू है ना धन्यवाद मित्र अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे लिए नसीबी है मित्र चलिए आप जरा ध्यान देना यहां पर देखिए भाई क्या है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो है अमेरिका ने मोदी जी को 2020 में दिया रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव ने मोदी जी को दिया इसके बाद फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 कलाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने मोदी जी को दिया सर सेंट एंड्रूज द एपोस्टल अवार्ड 2019 में रूस ने मोदी जी को दिया आर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 हजार ने मोदी जी को दिया किंग ऑफ आर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 बहरीन ने मोदी जी को दिया ठीक है भैया और देखिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने है ना मोदी जी को दिया चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड यूनाइटेड नेशन ने मोदी जी को दिया ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 हजार फिलिस्तीन ने मोदी जी को दिया समझ पा रहे हैं तो मोदी जी को इतने जो है पुरस्कार मिले हुए हैं हाँ भैया अमरजीत ठीक है अब जरा ध्यान से पढ़ो भाई तो कुल मिलाकर आप देखिए फिलिस्तीन का सर्व फिलिस्तीन का पुरस्कार यूनाइटेड नेशन का पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स का पुरस्कार ठीक है इसके बाद बहरीन यूएई रूस ठीक है और कौन से देश मालदीव अमेरिका इन देशों के है ना बड़े-बड़े पुरस्कारों से मोदी जी सम्मानित किए जा चुके हैं भैया ठीक है तो विदेश यात्रा पर निकलते थे तो पुरस्कार लेकर आते थे हां ठीक है बिल्कुल बिल्कुल भाई सैतालीस गोलियों के रूप में क्वेश्चन लेकर आए हैं गोली की तरह चलेगा सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है दोस्तों सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है सौर मंडल के खोजकर्ता है कॉपर निकस जी हाँ सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है आठ है ग्रहों के गत नियम को किसने दिया था केपलर ने दिया था सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है बृहस्पति है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सन याद रखना ए के फोर्टी सेवन बूस्टर फास्ट रिवीजन के लिए है सुपर फास्ट रिवीजन के लिए इसलिए तेजी से चलते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बुद्ध है सबसे बड़ा बृहस्पति बताया था सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह भी बुद्ध है और याद रखेंगे बुद्ध और शुक्र दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है ठीक है भैया पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह पूछेगा तो शुक्र बताएंगे शुक्र को पृथ्वी की भग्नि ग्रह या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं दोस्तों चलिए पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है सूर्य है लेकिन सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है प्रोक्सीमा सेंचुरी है हाल ही में प्रोक्सीमा सेंचुरी की चक्कर लगा रहे एक ग्रह की खोज हुई है जिसका नाम है प्रोक्सीमा डी क्या नाम है दोस्तों प्रोक्सिमा डी जी हाँ ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है सेंचुरी की की चक्कर लगा रहे एक की खोज हुई है जिसका नाम है प्रोक्सिमा डी ठीक है भैया सूर्य व पृथ्वी है ना पृथ्वी सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है सूर्य व पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है वरुण भाई जाहिर सी बात है चाहे आपसे कहा जाए सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह चाहे आपसे कहा जाए पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह दोनों का आंसर वरुण ही तो होगा लास्ट में यही तो है ठीक है भैया पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह भैया शुक्र और मंगल ठीक है भाई शुक्र और मंगल कैसे याद करोगे आप चाहो इसको ऐसे याद कर लो ईवीएम शॉर्टकट ट्रिक याद कर लो ईवीएम है ना ये भैया अर्थ हो जाएगा विनस हो जाएगा मार्स हो जाएगा अर्थ विनस मार्स आसान है याद करना ठीक है भैया सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह क्या है शुक्र है यहाँ प्रेशर कुकर जैसी स्थिति रहती है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है सबसे चमकीला ग्रह भी है इसीलिए इसको सांझ का तारा भोर का तारा दोनों कहा जाता है ठीक है भैया सबसे चमकीला तो कहते ही हैं, सबसे गर्म भी कहते हैं सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है वरुण अरे भाई सूर्य से जो ग्रह जितना दूर होगा उतना ही तो ठंडा होगा तो सबसे दूर यही है ठीक है भैया हाँ चलिए भाई आप जरा ध्यान दीजिएगा एकदम भाई ना सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है शनि अब एक बार जरा ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करते हैं बुद्ध की ठीक है भाई बुद्ध की मतलब मरकरी की है ना तो भाई आप देखिएगा एकदम सिंपल सी क्या बात है देखिए भाई माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स ये क्या हो गया ये हो गया बुद्ध शुक्र आ, बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण ठीक है भाई अब इसको क्या करेंगे मार्स ये देखिए जो मरकरी है और विनस है इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है ठीक है अर्थ का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है मून क्या नाम है मून अर्थात चंद्रमा ठीक है आप देखेंगे मार्स के दो है दोस्तों एक कौन सा है एक है आपका फोबोस क्या नाम है इसका फोबोस और दूसरे का नाम क्या है डिमोस हम उपग्रह की बात कर रहे हैं जुपिटर के कितने हैं जुपिटर के हैं दोस्तों 79. और सैटन के कितने हैं एटी टू है आप जरा ध्यान दीजिएगा एक बात और जुपिटर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है याद रखिएगा एक बात बताते हैं लार्जेस्ट क्या लार्जेस्ट अरे भाई हम बात कर रहे हैं उपग्रह की मतलब सैटेलाइट की बात कर रहे हैं ठीक है भैया तो जुपिटर का जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है ये पूरे सौर मंडल का भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है अगर आप देखेंगे दोस्तों जुपिटर का लार्जेस्ट कौन सा है गेनी है कौन सा है गेनी मिड है और सबसे छोटा कौन सा है ऑड बॉल है कौन सा है बॉल है तो जो जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है गेनीमिड यही पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है और जो जुपिटर का सबसे छोटा उपग्रह है ऑड बॉल यही पूरे सौरमंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है समझ गए दोस्तों हाँ भाई

ठीक है सबसे कम घनत्व किसका है शनि का है सबसे ज्यादा घनत्व किसका है बृहस्पति का है ठीक है भैया हाँ अच्छा भाई ठीक है भैया अभिनव ठीक ठीक है थीक है अरे भाई क्लास खत्म होने के बाद जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आप आगे से ए के फोर्टी सेवन बूस्टर में कौन से टॉपिक चाहते हैं आप जो भी टॉपिक आप कमेंट करेंगे उन टॉपिक्स का मैं एक जो है लिस्ट बना लूंगा एक एक करके सब पर लेकर आऊंगा ठीक है भैया चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहते हैं भोर या सांस का तारा मॉर्निंग या इवनिंग स्टार सबसे बड़ा उपग्रह देखो गेनीमिट आ गया ठीक है जो है गेनीमिट का आकार जो है दोस्तों बुध के बराबर है किसके बराबर है बुध के बराबर है यह भी एक बड़ी बात है सबसे छोटा उपग्रह देखो यहाँ गलत लिखा है डिमोस नहीं होगा क्या होगा ऑड बॉल होगा क्या होगा ऑड बॉल होगा ठीक है भैया चलिए फोबोस एवं डिमोस किसके हैं मंगल के इसको कैसे याद करोगे पता है आप मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़ते एम एफ डी अरे भाई जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है ना तो आप इससे याद कर सकते हैं एम से क्या हो जाएगा मार्स हो जाएगा फिर एफ से क्या हो जाएगा फोबोस हो जाएगा और डी से क्या हो जाएगा डिमोस हो जाएगा सिंपल ठीक है अच्छा एक बात और है कई बार पूछा जाता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैटर्न का शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है टाइटन क्या नाम है उसका टाइटन उसका नाम है टाइटन घड़ी नहीं उपग्रह चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और क्या है भाई इसके बाद शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन अच्छा यहां आ गया ठीक है सबसे वलय सबसे ज्यादा सबसे स्पष्ट वलय Rings किस में मिलते हैं शनि में मिलते हैं कितने मिलते हैं नौ no, मिलते हैं भाई ठीक है अच्छा अब इसके बाद देखेंगे Sunny के रिंग्स के की गैलीलियो सूर्य ऊर्जा का स्रोत नाभ की संलैन है हाइड्रोजन आयर्न लगातार हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं सूर्य के संगठन में यही हाइड्रोजन और हीलियम यही दो पाए जाते हैं दोस्तों सूर्य की सतह का तापक्रम डिग्री सेल्सियस होता है कितना होता है छ डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है भैया अच्छा भैया धर्मेंद्र आगे देखिएगा सूर्य की बाह्यतम परत को कोरोना या किरीट कहते हैं जब हम आपको ज्योग्राफी ज्योग्राफी शुरू करेंगे ना हिस्ट्री खत्म करके ठीक है भैया क्या कह रहे हैं सबसे अधिक घनत्व मरकरी का है या जुपिटर का तो भैया जुपिटर जुपिटर का का है चलिए ध्यान दीजिए सूर्य का, का बाह्यतम परत देखो भाई जब हम हिस्ट्री खत्म करके ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो इसको और डिटेल में बताएंगे टेंशन खत्म हो जाएगी एकदम तनाव मत लीजिए चलिए सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है प्रकाश मंडल कहलाता है सबसे चमकीला तारा कौन सा है साइरस या डॉग स्टार है पृथ्वी के विपरीत यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम कैसे याद करते हैं पता है इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ क्या पप्पू ठीक है और यहाँ याद कर लो क्या यूवी आप कहो गुरु जी ये क्या करवा रहे हो अरे भाई प से क्या हो जाता है प से हो जाता है पश्चिम पू से क्या हो जाता है पू से हो जाता है पूरब ठीक है तो पश्चिम से पूरब घूमता है कौन है ना पश्चिम से पूरब घूमते हैं कौन भैया देखो पप्पू यूवी है कि नहीं है पप्पू जो है यूवी जो है ये पप्पू है कि नहीं है यूवी जो है यूवी किसे कहते हैं यूवी का मतलब होता है युवराज सिंह यूवी का मतलब होता है युवराज सिंह आप बताइए क्या युवराज सिंह पप्पू है नहीं भैया छह गेंद पे छह छक्के मारने वाला युवराज सिंह पप्पू हो सकता है नहीं तो यूवी पप्पू नहीं है इसका मतलब क्या है यू से हो जाएगा यूरेनस सुनना यू से हो जाएगा यूरेनस वी से क्या हो जाएगा विनस ये दोनों पप्पू नहीं है मतलब ये दोनों पश्चिम से पूरब नहीं घूमते ये दोनों पश्चिम से पूरब नहीं घूमते इसका मतलब ये दोनों कैसे घूमते हैं ये दोनों पूरब से कि यूरेनस और विनस के अलावा बाकी सभी ग्रह पप्पू हैं मतलब यह है कि यूरेनस और विनस को छोड़ दीजिए तो जितने ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं पृथ्वी भी पृथ्वी भी और एक बात बताएं कि अगर पृथ्वी पर है ना क्योंकि पृथ्वी है ना यूरेनस और विनस के अलावा उन ग्रहों में शामिल है जो पश्चिम से पूरब घूमते हैं और अगर पृथ्वी पर सूर्योदय ईस्ट में होता है और सूर्यास्त वेस्ट में होता है तो इसका मतलब यूरेनस और विनस पर जो सूर्योदय होगा वो पृथ्वी का उल्टा होगा कहा होगा वेस्ट में और जो सूर्यास्त होगा सनसेट होगा दोस्तों वो कहां होगा होगा ईस्ट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एकदम आसानी से क्लियर हो गया हाँ चलिए आगे बढ़े पृथ्वी का पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है फोर पॉइंट टू ईयर लगता है ठीक है फोर पॉइंट टू वर्ष लगता है सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समय को अनक्रमसा कितना समय लगता है भाई तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में लेता लेता है तथा किसका लेता है तथा किसका चंद्रमा वाला ठीक है भैया तो सूर्य का प्रकाश पांच सौ सेकंड चंद्रमा वाला प्रकाश वन पॉइंट थ्री सेकेंड ठीक है भैया चलिए आगे बढ़ते हैं भूस्तर उपग्रहों की ऊंचाई छत्तीस हजार किलोमीटर क्षुद्र ग्रह कहा मिलते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है चंद्रमा की पृथ्वी का चंद्रमा को पृथ्वी के परिक्रमा करने में समय कितना लगता है सत्ताईस दिन आठ घंटे पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय तीन सौ पैंसठ दिन छह घंटे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा सब जानते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं शांति का सागर क्या कहते हैं दोस्तों शांति का सागर कहा मिलता है चंद्रमा पर सबसे बौना ग्रह कौन सा है प्लूटो ठीक है यम है ना 2006 में प्लूटो के ग्रह होने की मान्यता को चेक गणराज्य के प्राग में हुई इंटरनेशनल ऑस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक में समाप्त कर दिया क्योंकि यहां पर ग्रह की नई परिभाषा दी गई ठीक है भैया हाँ चलिए िस गोलियों के रूप में क्वेश्चन लेकर आए हैं गोली की तरह चलेगा टोक्यो ओलंपिक एवं पैरा 2021 दोस्तों जी आ, 2021 वैसे तो दोस्तों ये 2020 में होना था लेकिन हो कब रहा है हुआ 2021 में गोली की तरह चलेगा वैसे आपको एक बात और बता दे कि पूरी दुनिया की सबसे जो अत्याधुनिक राइफल है आपको बताएं पूरी दुनिया की अत्याधुनिक पूरी दुनिया की अत्याधुनिक जो राइफल है वो कौन सी है पूरी दुनिया की जो अत्याधुनिक राइफल है उसका नाम क्या है पता है उसका नाम है ए के टू हंड्रेड थ्री जी हाँ दोस्तों ए के टू हंड्रेड थ्री याद रखिएगा ए के फोर्टी सेवन सीरीज की ही सबसे अत्याधुनिक राइफल है ए के टू हंड्रेड थ्री दोस्तों ठीक है एकदम भाई नितेश जी ज्ञान रत्न बैच में पढ़ाया है इसको कि ए के टू जो है यह रूस के सहयोग से हमारे उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित कोरबा फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जा रहा है ठीक है ये एक मिनट में 600 सौ गोलियां दाग सकती है ठीक है दोस्तों चलिए चला जाए तो भैया शुरू करते हैं यह रही कहानी और ए के सीरीज फास्ट रिवीजन याद रखना बूस्टर फास्ट रिवीजन है ठीक है इसलिए डिटेल्स की बहुत और जो टोक्यो समर ओलंपिक हुआ है दोस्तों 2021 में उसका जो शुभंकर रहा था वो क्या था मिराई तो इसका शुभंकर रहा था इसका आदर्श वाक्य क्या था इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन क्या था यूनाइटेड बाय इमोशन कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया 206 देशों ने हिस्सा लिया कितनी प्रतिस्पर्धाएं संपन्न हुई 33 संपन्न हुई मैच 339 हुए भारतीय एथलीट कितने गए थे 127 भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था अगली बात भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था लक्ष्य है तेरे सामने जी हां भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग क्या था हिंदुस्तानी वे किसने लिखा था ए आर रहमान ने लिखा था दोस्तों ए आर रहमान ने टोक्यो तो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन थी मैरी कॉम थी जो कि मुक्केबाज है मणिपुर से बिलोंग करती हैं ठीक है भैया उसके बाद मनप्रीत सिंह भी थे उसी में जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे समापन समारोह में भैया ऐसे याद कर सकते हैं कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को ध्वजवाहक बनाया गया ओपनिंग सेरेमनी में और इनका हौसला इतना बढ़ गया कि पूरी टीम को बेहतरीन तरीके से लीड करके ब्रॉन्ज मेडल जितवा दिया भाई मजा आ गया ठीक है भैया आ, उसको हम लोग क्या करेंगे देंगे अरे भाई पूजा जी जाने दीजिए समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे बजरंग पूनिया थे दोस्तों जिन्होंने आगे चलकर मेडल भी जीता ठीक है तो उद्घाटन में यह है और समापन में यह है टोक्यो ओलंपिक के मुख्य प्रायोजक किसको बनाया गया था एमपीएल को बनाया गया था भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था आई नॉक्स था दोस्तों ठीक है क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन फेंसर थी भवानी देवी थी कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया था दोस्तों ओलंपिक्स में शामिल होने वाली पहली नौकायन महिला नेरथा कुमानन थी कौन थी नेरथा कुमानन अगला देखिएगा आगे है कि भाई क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तैराक कौन है साजन प्रकाश है ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे मनप्रीत सिंह थे दोस्तों जी हां ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी रानी रामपाल चौथे नंबर पे रही थी महिला हॉकी टीम जी हां पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता और महिला हॉकी टीम कांस्य से पदक जीतने से बस एक कदम दूर रह गई दोस्तों नहीं तो एकदम इतिहास रच देती ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट का नाम क्या था लॉरेल हबर्ड नाम था ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था यांग कियान ने जीता था जो चीन की थी शूटिंग से रिलेटेड है भारत का पहला पदक किसने जीता था भारोत्तोलन में भारत का दूसरा रजत पदक रवि कुमार दहिया ने जीता था जो कि रेसलिंग से रिलेटेड है भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता नीरज चोपड़ा ने जीता और नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जी बिल्कुल जो कुछ भी पढ़ा रहे मित्रों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे निश्चिंत रहिए आपकी तैयारी को शानदार बनाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है जी हाँ भारत के लिए अगली बात क्या है भारत के लिए कांस्य पदक किसने किसने जीता लवलीना बोरगोहिन्न ने जो कि असम से बिलोंग करती हैं इसके बाद पीवी संधू बैडमिंटन से रिलेटेड है बजरंग पूनिया कुश्ती से रिलेटेड है और पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर 41 वर्षों बाद कांस्य पदक अपने नाम किया इसके पहले 41 वर्षों पहले 1980 में पदक जीता था ठीक है भैया हाँ बिल्कुल भाई सत्या जी ले आएंगे कंप्यूटर ले आएंगे सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन है मोमोजी निशिया जापान की है बॉस है ना स्केटबोर्डिंग खेलती हैं सर्वाधिक सात स्वर्ण पदक किसने जीता एम्मा मैकॉन ने जीता ऑस्ट्रेलिया के तैराक है हालांकि पूरे ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड माइकल फेल्स के नाम है जो अमेरिका के तैराक है दोस्तों सर्वाधिक पांच स्वर्ण पदक सर्वाधिक पांच स्वर्ण पदक पुरुषों में कोलेब ड्रेसल ने जीता जो अमेरिका के तैराक है और अभी हम बता रहे थे माइकल फेल्प्स पूरे भारत पूरे भाई ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा पदक इन्होंने जीता है ठीक है आगे देखिएगा कि भाई प्रथम स्थान पर कौन रहा था अमेरिका दूसरे स्थान पर कौन रहा था चाइना रहा था जी दोस्तों भारत का स्थान क्या था अड़तालीसवा था एक बात बताएं आपको जो पैरा ओलंपिक था भारत उसमें चौबीसवें स्थान पर था और जो ओलंपिक समर ओलंपिक था उसमें अड़तालीसवें स्थान पर था ठीक है भैया है ना थैंक यू भैया कुमार गौरव अरे क्या बात है दोस्त एकदम बहुत बहुत धन्यवाद मित्र ठीक है आ, नहीं नहीं भैया टक्कर नहीं दोस्त बस सबका अपनी अपनी जगह अपनी अपनी जगह सबकी अपनी अपनी भाई चमक है है ना उनकी चमक अलग है और मेरी थोड़ी थोड़ी जो छोटी मोटी चमक है ये अलग है दोस्त ठीक है वो भी मेरे लिए प्रिय है और आप सभी भी बिल्कुल अड़तालीस मतलब क्या है भाई देखो पैरा ओलंपिक में चौबीसवें और यहां अड़तालीसवें तो चौबीस दुनी अड़तालीस कर देंगे ठीक है भैया हाँ बिल्कुल भाई जितेंद्र बाबू तेईस पदक जीते कुल मिलाकर फेल्प्स ने बिल्कुल भाई बिल्कुल मेरी तरफ से भी नमन है है ना सर को एकदम चलिए तैतीस ओलंपिक का आयोजन हर भाई आयोजन ओलंपिक अगली बार 2024 में अब आप ये मत सोचना कि 2021 में हुआ था तो अगला 24 में कैसे होगा भाई 2020 का टोक्यो ओलंपिक था जो 2021 में हुआ था ठीक है तो अगला वाला तो 24 में ही होगा ना मित्र बिल्कुल ठीक है भैया हाँ ठीक है भाई, भाई? चलिए अब देखना भैया शुभंकर बिल्कुल भाई संजय जी जाने दीजिए शुभंकर की बात करें अब यहां से क्या शुरू हो रहा है यहां से पैरा ओलंपिक शुरू हो गया क्या शुरू हो गया पैरा ओलंपिक यहां से शुरू हो गया जो 2021 में हुआ है दोस्तों ठीक है अब जरा ध्यान देना ठीक है यहां पर क्या था सोमाइटी क्या था वहां मारा था यहां क्या है सोमाइटी है ठीक है थीम गीत क्या था कर दे कमाल तू लेखक कौन था लेखक एवं गीतकार संजीव सिंह थे ठीक है भैया आदर्श वाक्य मोटो क्या था यूनाइटेड बाय इमोशन उसका भी यूनाइटेड बाय इमोशन था इसका भी है ठीक है बिल्कुल महेश जी बिल्कुल प्रयास करेंगे मित्र आप लोगों का साथ रहा तो हम और आप हम सभी मिलकर इतिहास लिखेंगे इतिहास रचेंगे सुनहरे अक्षरों से इतिहास रचेंगे जी हाँ है ना मेरा भी जीवन में एक ही टारगेट है कि देश में 140 करोड़ आबादी है कम से कम उसमें से एक करोड़ लोग मुझे जाने और उनमें से सभी लोगों के जीवन में बेहतर होने का है ना उनका भविष्य उज्जवल होने का अगर मैं कारण बन सकूं थोड़ा बहुत भी अंश मात्र भी तो अपना इस धरती पर आना इस धरती पर जन्म लेना सफल मानूंगा चलिए भाई देखिए क्या है कुल शामिल देश कितने थे भैया पैरा ओलंपिक की बात हो रही है ओलंपिक में 206 देश शामिल हुए थे यहां दो सौ यहां एक है समझ पा रहे दोस्तों ठीक ठीक है हाँ भाई आनंद, है है आनंद अगली बात क्या उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे थे टेक चंद थे. भाला फेंक है उधर नीरज चोपड़ा इधर टेक चंद ठीक है भाई समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थी अवनी लेखारा निशानेबाज एकदम शानदार मेडल पर सीधा निशाना लगाया चलिए भैया आगे देखिएगा भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था भावनी पटेल ने जीता था दोस्तों जी लिए व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था किसने किसने जीता था भैया अभिनव बिंद्रा ने उन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल में ही पदक जीता था जो बीजिंग ओलंपिक था दोस्तों ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई कुमार जी चलिए भारत के लिए ये हो गया, इसके बाद देखिए पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ओवरऑल है ना अच्छा ये रिपीट हो गया टोक्यो तो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली तीरंदाज कौन है हरमिंदर सिंह व विवेक चिकारा टोक्यो तो पैरालिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी पलक कोहली है जो मात्र 19 वर्ष की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आई अधिकारी अरे भाई सुहास हलवाई इनका नाम है एक्चुअली में सुहास यतिराज के ये, ये में क्या है? के जिलाधिकारी है, जिला है भैया जिला एकदम भाई अगली बात क्या है दोस्तों भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने किसने जीता पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने किसने जीता तो अवनी लेखरा ने जीता पांच स्वर्ण पदक आए हैं राजस्थान से बिलोंग करती हैं मनीष नरवाल ने जीता हरियाणा से बिलोंग करते हैं प्रमोद भगत ने जीता बिहार से बेसिकली बिलोंग करते हैं सुमित अंतिल ने जीता हरियाणा से बिलोंग करते हैं और कृष्णा नागर ने जीता राजस्थान से बिलोंग करते हैं क्या बताएं दोस्तों मतलब समझ लीजिए कि एकदम है ना ये वाली जो क्लास होती है यहां तक आते आते मतलब यह है ना कि मजा आ जाता है गजब शानदार भारत के लिए रजत पदक कितने आए हैं आठ रजत पदक जीते हैं भाई आठ रजत पदक जीते हैं जिसमें से भावना पटेल गुजरात से हैं है ना योगेश कथूनिया नई दिल्ली से हैं देवेंद्र झजरिया राजस्थान से हैं निषाद कुमार हिमाचल से हैं मरियपन थंगा तमिलनाडु से है प्रवीण कुमार मरियपन वेलू दो बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ठीक है, है भैया उत्तर प्रदेश से हैं, सुहास यतिराज कर्नाटक से हैं, सिंगराज आधाना हरियाणा से एक चीज का ध्यान देना सुहास जी जो है ये बिलोंग करते हैं कर्नाटक से लेकिन इस समय नोएडा के डीएम है ठीक है भैया हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए आ, हाँ भाई सुभाष अरे क्या बात है ठीक है हाँ, हाँ रे भाई बिल्कुल भारत के कहां से पदक कितने आए छे सिंगराज अधाना ने जीता शरद कुमार ने जीता अवनी लेखरा ने जीता है अवनि लेखरा ने गोल्ड मेडल भी जीता है और ये भी जीता है ठीक है हरविंदर सिंह ने जीता मनोज सरकार ने जीता और सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता लेकिन हम कहेंगे कि आप इतना ब्रॉन्ज ना याद करिए लेकिन जो गोल्ड मेडल है गोल्ड मेडल जो आपके पांच है इसको याद करिए और जो आठ ये रजत पदक है इनको याद करिए ठीक है अगर कांस्य पदक के जो जीते हैं उनके नाम नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा ठीक है भैया हाँ अच्छा भैया अच्छा भाई बिहारी दरोगा जी

भारत यहाँ चौबीसवें पे है वहां किस पर है अड़तालीसवें पे है ठीक है भैया हाँ बिल्कुल अरे यहाँ भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे एग्जाम में होगा वीके का जीके का जलवा क्या बात है एकदम दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए पैरा ओलंपिक पदक पहली भारतीय महिला कौन थी दीपा मलिक ठीक है भैया दीपा मलिक